साथियों, आज बहुत गंभीर विषय पे एक पत्रकार परिषद हो रही है। भारत बचाओ आंदोलन की तरफ से पुलवामा और ये हाल ही में जो सर्जिकल स्ट्राइक हुए, पुलवामा आतंकवादी हमला और जो सर्जिकल स्ट्राइक हुए उसको लेकर आज पत्रकार परिषद है। उसमें देशभर में बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे, बहुत सारे दूसरी नैरेटिव्स काउंटर फैक्ट सामने आ रहे जो देश के सामने लाना आवश्यक है। जहाँ तक हमारा मानना है कि देश में ये पहला पत्रकार परिषद है जो जन आंदोलन की तरफ से हो रहा है। काफ़ी राजनीतिक दलों के तरफ से ममता बनर्जी, शरद पवार जी, राज ठाकरे, दुलाल जी जो रॉ के एक्स चीफ है, बहुत सारे इम्पोर्टेंट लोगों ने सवाल खड़े किए हैं और काफ़ी डायरेक्टली बातें करी थी। ये भी जरूरी है सब सवाल पूछने, क्योंकि देश की जो परिस्थिति है और जिस किस्म का द्वेष फैलाया जा रहा है, वॉर मॉन्गरिंग हो रही है, ये हमारे देश के लिए, पूरे नेबरहुड के लिए बहुत खतरनाक है। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि आज एक पत्रकार परिषद ली जाए। पत्रकार परिषद एक्चुअली पहले 26 तारीख को होने वाली थी, हम लोगों ने तैयारी की थी और उसी दिन सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था। इसलिए आप बैनर पे देखेंगे कि हम लोगों ने बालाकोट को एक छोटा चार्ट पेपर पे लिखा है, क्योंकि बार बार वो बैनर प्रिंट करना मुश्किल है। दूसरे बैनर पे हम लोगों ने ये भी लिखा है कि कुछ सवाल, कुछ तथ्य सर्जिकल स्ट्राइक्स को लेकर भी और पुलवामा को लेकर, और आखिरी में नीचे लिखा है कि स्टैंड विद इंडियन आर्मी, स्टैंड विद द कश्मीर पीपल, और हम लोगों ने भारत जोड़ो समाज जोड़ो का नारा दिया है। मैं आज जो प्रेजेंटेशन होगा मैं आपको बता दूँ, पहले हमारे बीच में लेफ्टिनेंट कर्नल रानाडे हमारे साथ है, वहाँ विचार सुविधा जी है, जितिन देसाई एक वरिष्ठ पत्रकार आज हमारे बीच में, वो भी इम्पोर्टेंट है, एम ए खाले जी, कॉमरेड चारुल, जोशी, रवि, भिलाने, ये सब पब्लिक फिगर है जो बार बार बम्बई में और पूरे देश भर में ये सब एक सामाजिक आंदोलन के साथ जुड़े हुए साथ हैं। दो घंटे का पूरा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस रहेगी, सवाल जवाब रहेंगे, चर्चा रहेगी। पहले कर्नल रानाडे की बात रखेंगे, फिर भी डिटेल्ड आज इसलिए डॉक्यूमेंट ये प्रोजेक्टर वगैरह लाए हैं ताकि डिटेल प्रेजेंटेशन लेकर आपके सामने सब बातें रखी जाए। कर्नल रानाडे पहले तो आप ही बोलने वाले थे, मगर क्योंकि उनको कहीं निकलना है, इसलिए रानाडे जी जो एक आर्मी वाले हैं, जय जवान जय किसान आंदोलन के एक इम्पॉर्टेंट लीडर है, वो पहले आपके बात सामने रखेंगे। और उसके और एक साथ एक नोट कीजिएगा कि कल शाम को 6 बजे शिवाजी मंदिर में एक बड़ी पब्लिक सभा लेने वाले हैं, जहाँ निखिल वाले, जतिन देसाई सब अपनी बात रखेंगे। ज्योति बड़ेकर भी आई है, वो भी मंच पर आ जाए। तो ज्योति, मैं कल रानाडे को रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपनी बात रखें। नमस्कार, मैं लेफ्टिनेंट कर्नल सी जे रानाडे, संक्षिप्त परिचय देता हूँ। भूतपूर्व सैनिक हूँ और 4 पुश्तों से जो है हमारे पूर्वज सेना में थे। पहली लड़ाई में 1915 की लड़ाई में मेरे परनाना शहीद हुए थे, उसके बाद दादा फादर सभी आर्मी नेवी में रहे। हमारी एक भूतपूर्व सैनिकों की संगठना है जो देश में एक गवर्नमेंट मान्यता, सरकार मान्यता प्राप्त गवर्नमेंट रिकग्नाइज संस्था है। पार्लियामेंट एक्ट से इंडियन एक्स सर्विसेज लीग आपकी दुआ से जो है बगल में ही ऑफिसेस है अपने संगठना के, और इस संगठना में भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण चलता है। लेकिन आज की तारीख में सिर्फ भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के पास सीमित ना रहकर हमको जो है समाज में सैनिकों का योगदान, समाज में जो काम करना है उसकी तरफ भी देखना पड़ता है। सैनिक कुशल है, सैनिक काबिल है, तो सैनिक ने भी समाज में, सोल्जर्स फॉर सोसाइटी हमारा स्लोगन है, सैनिकों का कल्याण देखते थे। और कई बड़ी बड़ी बातें कालवश हो गई है, ORP जैसी चीज़ें, एक बहुत बड़ा विषय हमारा रुका हुआ है जिसकी वजह से हमारा बहुत बड़ा आंदोलन चलता है जय जवान जय किसान बैनर में, गारंटीड एम्प्लॉयमेंट। तो हमारा सैनिक जो है रिटायर हो नहीं होना चाहिए, ये एक विषय है। तो अब हमारी जैसी संस्था या हमारे जैसे जन आंदोलन के साथ मिला हुआ पक्ष निरपेक्ष लोग यहाँ क्या काम कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको एक सिर्फ पार्श्वभूमि इतनी बता देता हूँ कि जानकार लोग तो हैं, अभ्यास करने वाले, खोजबीन करने वाले लोग तो हैं ही, लेकिन हमारा एक ये कहना है कि जो सैनिक ऑन ड्यूटी है, जो आजी सैनिक है, कार्यरत सैनिक है, उसको कोई आवाज़ नहीं है।
तो कार्यरत सैनिक के मुद्दे भी हमको पेश करने चाहिए समाज में, और आज समाज में ये कार्यरत सैनिकों के विषय जो है बिल्कुल खुसुर खुसुर में है। आज पार्लियामेंट में भी कोई ज़्यादा जोर से राफेल का स्पीड नहीं पूछता, पहले भी नहीं पूछते थे। डिफेंस का बजट जो है बिल्कुल ऐसे कहीं पतली गली से निकल गया ऐसे पता चलता था। आज हमारे सैनिक जो है इस परिस्थिति में आए हैं कि 700-800 सैनिक डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव में चले गए। तो पूर्व सैनिकों का, आज ही सैनिकों का भी हम कल्याण देखना चाहिए, विषय लेना चाहिए, इसलिए इस विषय में हम रुचि लेना शुरू कर दिए। इसके अलावा भी सैनिकों के और समाज के विषय हैं, और हम एक पक्ष निरपेक्ष संस्था होते हुए लेकिन एक देश से जुड़े हुए संस्था होते हुए हम और हमारे सीनियर सरगना जैसे ब्रिगेडियर सावंत हैं, इस जन आंदोलन या जय जवान जय किसान आंदोलन के नेता हैं, इन सब में हम आपके साथ या आपके सामने आ रहे हैं, और इन सवालों को अभी आगे ले जाना ही पड़ेगा। इतनी ज़ोर से सवाल आए उतनी ज़ोर से जवाब देना ही पड़ेगा, ऐसा एक विचार है। और कोई भी विचारवंत इस मामले पे वहाँ रुक के नहीं हो सकता। इस मामले में मेरे साथी फिरोज भाई ने काफ़ी अभ्यास किया हुआ है, आप भी इस पर विचार करें, ये मेरी विनती है। और इसके अलावा कल सविस्तार अवाम मतलब पब्लिक को जो है जो समझाने का जो है एक प्रयास होगा, पब्लिक को सामने बाकी चीज़ डालने के लिए। अब पब्लिक को, पूरी पब्लिक को तो छोटे से संस्था में ला नहीं सकते, तो आपके थ्रू कुछ उसके साथ संवाद करने का जो है अवसर मिला है। आपके थ्रू इस विषय के गांभीर्य या इस विषय के मुख्तलिफ पहलू जिसमें हम उन्होंने गौर करना चाहिए आवाम ने, इसमें जोर डालने के लिए हम आपके सामने हैं। तो आप क्षमा कीजिए कि पूरा प्रेजेंटेशन मैं नहीं आपके साथ रुक सकता हूं, लेकिन सवालों के साथ हम आपके साथ हमेशा रहेंगे। वैसे भी मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल सब हैं, कल हम सामने आ जाएंगे सभी जो भूतपूर्व सैनिकों के। और आपकी तरफ से मैं शुक्रगुजार हूँ सुविधा विचारे जो एक कारगिल के योद्धा है और मेरे साथ आए हैं, और फिरोज भाई का भी मैं इजाज़त लूँगा, शुक्रिया अदा करूँगा कि इन्होंने जो है इस जुड़ने में हमारा भी पहलू या हमारा भी विचार जोड़ लिया है। और कई मंजिलें हैं, ये तो सिर्फ शुरुआत है। तो इस तरह से फिरोज भाई को जो है शुक्रिया अदा करता हूँ आपके आने का, और समय देने के लिए जो है मैं मुबारकबाद देता हूँ। पुलवामा का कांड कैसे हुआ, क्यों हुआ, इससे फ़ायदा क्यों हो गया, अब कॉन्वॉय जा रही है, कॉन्वॉय जा रही है तो एकदम ऐसे कॉन्वॉय में जीप लग करके जो है 40 आदमी शहीद हो जाएंगे, इतना आसान नहीं है। कॉन्वॉय चेकिंग होता है ज़मीन पर जो है, कॉन्वॉय बस वाले जीप वाले आगे पीछे देखते हैं। सवाल इसके ऊपर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा ये हो गया कि व्हाई डिड नॉट गो बाय एयर, सवाल वो नहीं, एयर से नहीं, थल सेना है थल से ही जाना पड़ेगा, लेकिन अपनी जो इलाके को, अपने इलाके को उसको जो है खोजबीन करके पूरी तरह से जो है सैनिटाइज जो बोलते हैं लोग, ये करके जाना पड़ेगा। और उसी तरह से जो है MiG-21 ये जहाज़ जो है तो इतना पुराना हो गया, हम लोग सर्विस में मेरे 20 साल हो गए, मतलब 22 साल टोटल हो गए सर्विस छोड़ के। हम लोग सर्विस में होते समय बोला कि ये MiG-21 ये पुराना है, तो अभी आए दिन एक्सीडेंट होने लग गए हैं, और वो MiG-21 हवाई जहाज़ के साथ क्या हो रहा है। बालाकोट का तो क्या हम, मेरे को बोझने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, एयर चीफ से लोग सब लोग जो है पूरी टीवी और इन चैनलों पर आ गए हैं। तो सवाल बहुत गंभीर हैं, सवाल का पूरा जो है नुक्ताचीनी करने के लिए इस वक्त नामुमकिन है, लेकिन मैं इन सवालों को आपके लिए फिरोज भाई के पास छोड़ देता हूँ, और इन सवालों के लिए फिर आगे भी जुड़ते रहेंगे। एक दिन में सारा आप हमको खाना खाने का नहीं है, ठीक है, तो कल के लिए भी न्योता देता हूँ मैं आपको और इजाज़त देता हूँ। साथियों अभी एक वो डिटेल प्रेजेंटेशन करेंगे, उसके बाद चारुल भाई, खालिद भाई, ज्योति, रवि अपनी अपनी बात रखेंगे। मगर एक ज़रूरी था कि जो भी इंफॉर्मेशन डिसइंफॉर्मेशन जो हमारे सामने आया है, और ग्रीन भाई जी साथी, तो मुद्दा वही था कि पुलवामा आतंकवादी हमले के बाद यहाँ जितने लोग शरीक है और पूरे देश भर के लोग, हम लोग उसी दिन और अगले दिन से कंडोलेंस की सभाएं पूरे देश में हुई, मगर उसी रात को लोगों ने शुरू किया कि ये आतंकवादी हमले जो लगातार होते रहे हैं हमारे मुल्क में, और उसकी एक राजनीति हुई है, उसकी राजनीति से कुछ ताकतों को फ़ायदा होता है, तो बहुत ज़रूरी था कि हम लोग जो लगातार UPA 1 UPA 2 के दौरान भी जो सवाल हम लोगों ने खड़े किए थे और एक्सपोज किया था आतंकवादी हमलों को, वैसे पुलवामा आतंकवादी हमला हो या बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक हो, उसको लेकर सवाल खड़े करने बहुत ज़रूरी है, और जो तथ्य सामने आए हमारे सामने उसको देश के सामने रखने ज़रूरी है।
दूसरी बात कि 2003 से जो बम्बई शहर में बहुत सारे आतंकवादी हमले हुए थे, तो हम लोगों ने एक संगठन बनाया था, भारत बचाओ आंदोलन, साम्राज्यवाद विरोधी और धार्मिक कट्टरवाद विरोधी हमारा एक संगठन बनाया था, किशोर भाई, ज्योति, रवि, हम लोग सब साथ में उसमें। और उसके बाद जो हम लोग को बात समझ में आई कि जो एक राजनीति है, इट्स कॉल्ड द पॉलिटिक्स ऑफ टेरर, इट्स कॉल्ड द पॉलिटिक्स ऑफ टेरर, आतंकवाद की राजनीति। जब एक क्राइम होता है, एक मर्डर होता है, तो हम लोग ये सवाल पूछते हैं कि इसका फायदा किसको होगा, ए बी सी डी, किसी का भी हो सकता है। तो वैसे हर आतंकवादी हमले के बाद ये सवाल पूछना जरूरी है, क्योंकि हम लोग पुलिस वाले नहीं हैं, ना आई बी वाले हैं, ना रॉ वाले हैं, ना फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करने वाले लोग हैं। वी आर पॉलिटिकल एनालिस्ट, हम लोग एक पॉलिटिकल सोच रखने वाले लोग हैं, और हमारा काम है कि जब आतंकवादी हमला हो, दंगा हो, तो ये कौन करवाता है और इसका किसको फ़ायदा मिलता है। ठीक है, ये एक सिंपल हम लोगों ने समझ बनाई थी। मालेगांव नांदेड़ को लेकर जो हम लोगों ने सवाल खड़े किए थे और जिनके तरफ निशाना लगाया था, वो फाइनली करकरे जी ने उसको प्रूव कर दिया था। और करकरे जी का जो आज पूरा काम है वो वाइप आउट हो गया, वो पूरे चार्जशीट का कुछ बचा नहीं। नाउ कमिंग टू दी पुलवामा अटैक, मैंने जैसे बताया कि बैनर पे सर्जिकल स्ट्राइक को जोड़ना पड़ा, नहीं तो ये हम लोग बहुत पहले पत्रकार परिषद करने वाले थे। ओके, क्योंकि बालाकोट के पहले, बालाकोट को लेकर तो भी सवाल खड़े हो रहे, मगर अभी पुलवामा पे कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा। और पुलवामा पे बहुत सारे इम्पोर्टेंट सवाल है, बहुत सारे चौंकने वाले सवाल है, चौंकाने वाले सवाल है, जो हम लोग को जिसपे चर्चा करनी आवश्यक है। पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हम लोग ने जो पूरा जो कलेक्शन किया है, इस बार दो इम्पोर्टेंट नेताओं ने, और इनफैक्ट इवन शरद पवार जी ने कहा था, मैं लाइव इंटरव्यू देख रहा था, कि जम्मू कश्मीर का ये जो पूरा हाईवे है वो दुनिया का सबसे सुरक्षित हाईवे है, उस पर ये फेलियर कैसे हो सकता है। उसके साथ उन्होंने और भी बात बता दी कि ये जो सुसाइड बॉम्बिंग अटैक हुआ तो वो तो हुआ ही है, मगर रिपोर्ट ये भी बोलते हैं कि वहाँ मशीन गन फायर भी हुआ। अभी आप पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि जो पूरी सुरक्षा यंत्रणा है आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस को, वो है क्या, ये अभी हमको समझ में आया, पहले नहीं पता था। उस पर काफ़ी रिसर्च किया उसके बाद कि एक्चुअली पूरी यंत्रणा है क्या। पहली बात उसमें है कि हाईवे की जो मेन जिम्मेदारी है वो रोड ओपनिंग पेट्रोल की होती है, कि जब हाईवे से गाड़ियाँ गुजरती है आर्मी की, पैरामिलिट्री फोर्सेस की, तो रोड ओपनिंग पेट्रोल पूरा छान मारता है शुरुआत से एंड तक, उसमें आईडी, लैंड माइंस, वो सब उनकी जिम्मेदारी है। और हाईवे के दोनों बाजू 500,000 मीटर कोई मिलिटेंट आतंकवादी ना हो, ये उनकी जिम्मेदारी होगी, रोड ओपनिंग पेट्रोल का वो काम है। दूसरा है जो राष्ट्रीय राइफल्स की जिम्मेदारी है और बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड्स की, जो भी रास्ते हाईवे पे आते हैं, जो भी कनेक्टिंग, छोटा रोड, बड़ा रोड, जो भी हाईवे पे रास्ते खुलते हैं, वो राष्ट्रीय राइफल की जिम्मेदारी होती है। वह बैरिकेड होता है, बैरिकेड पे हर गाड़ी रोकी जाती है, डिकी, बॉनेट, नीचे का मिरर, बॉम्ब डिस्पोजल रोड का कुत्ता, और वो एक जो एक वायर होता है, वो स्टील की एक जो होता है जिससे बॉम्ब डिटेक्ट होता है, वो सब होता है, तब वो गाड़ी जाने देते हैं। ये है पूरी यंत्रणा। उसके साथ पूरे हाईवे पे 200 या 300 मीटर की दूरी पे, 200 मीटर अगर वेदर क्लियर है तो अनक्लियर है तो 300 मीटर या 200 मीटर की दूरी पे राष्ट्रीय राइफल के जवान पूरे के पूरे रास्ते पे खड़े होते हैं। जब इतनी यंत्रणा है, जब कश्मीर दुनिया का सबसे मिलिटराइज जोन है, कि हमारी 7 लाख की आर्मी मिलिट्री सब मौजूद है, तब ये RDX कैसे आता है 350 किलो या 60 किलो, वो भी अलग अलग नंबर आ जाते हैं, ये कैसे संभव है, एक तो वो सवाल है जो सब लोग पूछ रहे, जिसका कोई उत्तर कोई नहीं दे रहा है। दूसरा सवाल ये है कि ये गाड़ी कौन से रास्ते से हाईवे पे आई, वो कोई नहीं बता रहा है। इस बार कोई मैप नहीं आया टीवी पे, ना अखबारों में, कि ये गाड़ी का ये रूट था और ये गाड़ी हाईवे पे यहाँ से आई। जो मुझे एक रूट समझ में आता है वो एक काकापोरा टू लेथपोरा, काकापोरा गुंडीबाग, जहाँ से लड़का आता है अब्दुल्दार, जो सुसाइड बॉम्बर, और जो लेथपोरा पे जो इनिशियल रिपोर्ट्स आई, मगर उसके बाद अगर आप अखबार को उठाओगे
तो चार अलग अलग रिपोर्ट आ रही है। एक रिपोर्ट बोलती है कि जम्मू से वो गाड़ी उनको फॉलो कर रही थी, दूसरी रिपोर्ट बोलती है कि वो गाड़ी साइड रोड पे खड़ी थी और जैसे वो कन्वॉय आई वो लग गई उनके पीछे, तीसरी रिपोर्ट आती है कि वो इस साइड पे रस्ते से आई, कौन सा रास्ता कोई नहीं बताता, और चौथा रिपोर्ट बताता है कि वो सामने से आके टकराती है। ये चारों के चारों रिपोर्ट। और प्रॉब्लम साथी यह है जो आपको प्रेस नोट दिया है, और दो इम्पोर्टेंट भारतीय पत्रकार है जिनका आज वॉशिंगटन पोस्ट में आर्टिकल छपा है, कि ये पूरे हमले में चाहे वो पुलवामा हो या बालाकोट हो, ज़्यादा करके आतंकवादी हमले में वही होता है कि ओनली वी कोट गवर्नमेंट सोर्सेज, हम लोग खुद इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो एक सोर्स ये बोलेगा, एक सोर्स वो बोलेगा, जिस प्रकार से उनको डिस इन्फॉर्मेशन मिस इन्फॉर्मेशन मीडिया से फैलानी है वो काम पूरा पुलवामा और बालाकोट में हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, अभी मैं जरा लेक्चर पर जाता हूँ। इम्पोर्टेंट ये है कि पहले ममता बनर्जी क्या बोल रही है। ममता बनर्जी क्लियर कट बोल रही है, मोदी बाबू वेयर वर यू व्हेन द अटैक टुक प्लेस, तुम कहाँ थे जब अटैक हुआ, तुमको पहले से पता था, यू हैड प्रायर इन्फॉर्मेशन, यू न्यू इट वुड हैपन, तुमको पता था ये होने वाला है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैड इंटेलिजेंस इनपुट्स अबाउट इट, तुम्हारे पास इंटेलिजेंस इनपुट थे, वाई वर द जवान्स नॉट एलिफ्टेड, वाई वॉज द चेक नाका चेकिंग एंड द सैनिटाइजेशन ऑफ द कॉन्वॉय रूट, वाई वॉज दे नो नाका चेकिंग एंड सैनिटाइजेशन ऑफ द कॉन्वॉय रूट, ये उन्होंने पूछा है। वो क्लियर कट बोल रही है कि तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन था और तुमने होने दिया। फिर हमारे राज ठाकरे ने 25 तारीख को जो बयान दिया कोल्हापुर के रैली में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद वो अटैक हुआ और उसके बाद उस पर कोई चर्चा होने नहीं है। मगर क्या बोलते हैं राज ठाकरे, इफ अजीत डोवाल इज इन्वेस्टिगेटेड, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अगर इन्वेस्टिगेट उनका होता है, फिर पूरा पुलवामा का तथ्य हमारे सामने आ जाएगा। और उन्होंने कहा कि हमारे ये जो CRPF के जवान हैं वो पॉलिटिकल विक्टिम्स हैं, मतलब राजनीति के वो विक्टिम हैं, ये राज ठाकरे बोलते हैं। उसमें और एक बात बोलते हैं, आई सस्पेक्ट समबडी इन द इंडियन एस्टैब्लिशमेंट डिलीवरी अलाउड द अटैक्स टू हैपन ऑन आर जवान्स सो दैट आर अटेंशन वुड बी डाइवर्टेड फ्रॉम ऑल द फेलियर्स ऑफ द गवर्नमेंट। क्या बोल रहे हैं वो, इंडियन सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट में कोई है जिन्होंने डिलीवरेटली ये अटैक CRPF के जवानों पर करवाया है ताकि सभी जो मुद्दे हैं जहाँ ये सरकार फेल हो रही है वो मुद्दे पूरे ढह जाए। और वो बोलते हैं कि आई डिमांड दैट दी ऑल एक्शंस ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल इन द पास्ट फ्यू मंथ्स बी इन्वेस्टिगेटेड, ये राज ठाकरे का बयान। रॉ चीफ जो दुलाक रॉ चीफ थे, मैं तो मानता हूँ कि उन्होंने जब उनके दौर में कश्मीर को उन्होंने काफ़ी हद तक काम कर दिया था, जिसमें से UPA 1 तो 2 सरकारों को आगे लेके जाना था, उन्होंने वो भी नहीं कर पाए। मगर दुलाक ये बोल रहे हैं मोदी इज मिल्किंग द प्रेजेंट सिचुएशन टू द एक्सट्रीम, मतलब मोदी ये पूरा पुलवामा से लेकर बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक का पूरा जो उसको राजनीतिक फायदा लेना है वो पूरा का पूरा मोदी ले रहा है। राजीव त्यागी फॉर्मर इंडियन एयरफोर्स के पायलट, इनके आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो टेक्निकल आदमी है, एयरफोर्स पायलट है, उनका दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल ले चुके हैं, उसमें से एक पूरा छोटा एक्सेप्ट पढ़ रहा हूँ। आई हैव रिटन अबाउट द फ्यूटिलिटी ऑफ अटैकिंग टेरर कैंप्स एज दे डू नॉट यील्ड एनी स्ट्रेटेजिक एनिमी एसेट्स, तो क्या बोल रहा है कि ये स्ट्रेटेजिक टेरर हिट्स हम लोग जो करें सर्जिकल स्ट्राइक्स, उससे कुछ ज़्यादा हासिल नहीं होता क्योंकि उसमें से एनिमी एसेट डिस्ट्रॉय नहीं होता। बट इन दिस केस एज इन मेनी बिफोर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज आस्क्ड द आर्म्ड फोर्सेज टू एक्ट ऑन हिज बिहाफ एंड द आर्म्ड फोर्सेज आर डिलीवर्ड ओनली टू वंस अगेन बी यूज फॉर दी पर्सनल ग्लोरिफिकेशन ऑफ नरेंद्र मोदी। आर्म फोर्सेज अपना काम कर रही है मगर आर्म फोर्सेज को जो उन पर जो जिम्मेदारी डाली जा रही है वो सिर्फ नरेंद्र मोदी की पर्सनल ग्लोरिफिकेशन के लिए वो कह रहे हैं। ये है राजीव त्यागी इंडियन एयरफोर्स के पायलट। जो पूरी इंटेलिजेंस का सवाल है कि कौन जिम्मेदार था कौन नहीं, तो जो संजीव कृष्ण सूद फॉर्मर एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिन्होंने 38 साल काम किया था BSF में, उन्होंने कहा कि पहले तो प्यूनिटिव एक्शन बाय इंडिया मस्ट बिगिन एट होम अगेंस्ट नेग्लिजेंट ऑफिशियल्स, मतलब राष्ट्रीय राइफल की कौन सी यूनिट वो रस्ते की जिम्मेदार थी जहाँ से गाड़ी हाईवे पे आई किसी को पता नहीं, कौन सा अफसर उसका जिम्मेदार था किसी को पता नहीं, किसी का नाम आया नहीं कि कौन जिम्मेदार था उस दिन ये पूरे संभाल रहे, कोई रेजिग्नेशन नहीं कुछ नहीं। तो जो मिस्टर सूद है वो बोल रहे कि पहले तो यहाँ से सवाल पूछना करो कि कौन जिम्मेदार था और किसकी फेलियर है।
अभी इम्पोर्टेंट है कि दो इम्पोर्टेंट पत्रकार हैं, मैंने उनके दो आर्टिकल पढ़े हैं, ये सुचित्रा विजयन एंड वसुंधरा सिरनाटे, कल का वॉशिंगटन पोस्ट, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फ्रेंड्स इन द मीडिया एंड सभी यहाँ के बैठे हैं। उनका बोलना है कि आर इन्वेस्टिगेशन इनटू द इंडियन मीडिया रिपोर्टिंग ऑन द पुलवामा अटैक फाउंड दैट मेनी रिपोर्ट्स वर कॉन्ट्रडिक्टरी बायस्ड इंसेंडरी एंड अनकोराबोरेटेड। न्यूज ऑर्गेनाइजेशन सच एज इंडिया टुडे, एनडीटीवी, न्यूज 18, द इंडियन एक्सप्रेस, फर्स्ट पोस्ट, मुंबई मिरर, ANI, प्रैक्टिकली एवरीबडी, एवरीबडी एंड अदर्स रूटीनली एट्रीब्यूटेड देयर इंफॉर्मेशन टू अनोनिमस इंफॉर्मेशन। कहाँ से आ रहे हैं हम लोग, क्या लिख रहे हैं? गवर्नमेंट सोर्सेज, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स, पुलिस ऑफिसर्स, इंटेलिजेंस ऑफिसर्स, नो इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन वर कंडक्टेड एंड सीरियस क्वेश्चन अबाउट इंटेलिजेंस फेलियर्स वर लेफ्ट अनआंसर्ड। ये है ये पूरी परिस्थिति जिसपे हम लोग अभी कर रहे हैं। ये आर्टिकल उनका आज ही वॉशिंगटन पोस्ट में छपा है। साथियों, उसके बाद अभी आप अगर प्रेस नोट पे आते हैं, और मेरा रिक्वेस्ट है कि आप पेज टू पे जाइए, ओके, कुछ तथ्य फैक्ट्स है और कुछ सवाल है जो हम लोगों ने रेस किए, जस्ट गो टू दैट। फैक्ट नंबर वन, जो फैक्ट नंबर वन मैंने बेसिकली समझा दिया है, रोड ओपनिंग पेट्रोल राष्ट्रीय राइफल्स का जो रोल है, ठीक है, वो पहला है। और उसके साथ जो पहला सवाल हम लोग खड़ा कर रहे हैं कि पूरा देश पूछ रहा है कि एक गाड़ी 350 किलो, वो 25 किलो भी अभी आ गया है, 350 किलो आ गया है, जो आपको मानना है पानी है, मगर ये सब किस्म की इन्फॉर्मेशन हमारे अखबार और टीवी में आ चुकी है। ये RDX कहाँ से आया, अक्रॉस द बॉर्डर आया, कश्मीर के अंदर से आया, उसका अभी तक कुछ खुलासा हुआ नहीं है, ओके। और एक गाड़ी कैसे आ सकती है हाईवे पे, ये किसी को पता नहीं, विदाउट बीइंग चेक। उसमें इम्पोर्टेंट ये है कि जो आपस में जो इनका मोबाइल फोन पे बात होता है, जो चैटर होता है, वो इंटेलिजेंस बोल रही है, मैं आऊँगा उस पर, कि उनके पास कोई नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है जिसके कारण हम लोग कुछ हमको पता नहीं चला। मगर जैसे मोहम्मद कश्मीर में क्या बोल रही है आपस में हमको पता नहीं चलता, जैसे मोहम्मद वो मौलाना असर मजूद का भाई क्या बोलता नहीं बोलता है, वो सब ऑडियो हमारे पास आ जाती है, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन वेर वी डीलिंग। दूसरा है कि जो वेदर कंडीशंस थे, 4 फरवरी तक बर्फ गिर रहा था, कोई गाड़ी मूवमेंट नहीं हो रही थी, ये पहली कॉन्वॉय बाद में 8 तारीख को निकली थी, तो 2500 हमारे जवान वहाँ जमा हो गए थे। और हमको पता है कि CRPF ने मिनिस्ट्री ऑफ ऑफ इसको रिक्वेस्ट किया था कि हमको एयरलिफ्ट करो, और अगर एयरलिफ्ट नहीं तो आमट काज हमको दे दीजिए, दोनों नहीं दिए थे। उनकी बसेज आप देखेंगे तो वो बसेज ST बसेज से बदतर हाल में होती है, मैं तो मान नहीं सकता कि इस किस्म के इक्विपमेंट हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेज के पास है। वो फैक्ट टू हो गया, वेदर कंडीशन हो गया, ओके। ना फैक्ट थ्री, इसलिए हमको पता है कि 14 तारीख को 4 बजे सुबह 78 व्हीकल्स का एक पूरा कॉन्वो निकला, जिसमें 2500 हमारे CRPF के पर्सनल थे, और वो नेशनल हाईवे 44 पर निकले। 3:10 को ये धमाका होता है, चार पे हाँ, अच्छा, यस, ओके, फाइन, हाँ, ये आ जाओ, सॉरी, ये है वो लेटर जो MHA ने रिफ्यूज किया था, उन्होंने बोला था कि एयरलिफ्ट करो या हेलीकॉप्टर दे दो, ये वो डॉक्यूमेंट है जो MHA ने इनको रिफ्यूज किया। नाउ द फोर्थ पार्ट, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, जो 3:10 को जो धमाका हुआ, तो पहला जो स्टेटमेंट जम्मू कश्मीर पुलिस का आता है, आप प्रिलिमिनरी रिपोर्ट सजेस्ट द कार लेडेड ID वॉज एट द स्पॉट, वो क्या बोल रहे हैं, वॉज एट द स्पॉट, यहाँ से आई वहाँ से आई नहीं बोल रहे, वॉज एट द स्पॉट। इट इज नॉट क्लियर एट दिस स्टेज वेदर द कार रैम्ड द कार इनटू द कॉन्वॉय और वॉज पार्क्ड बिफोर हैंड, गाड़ी आई कहीं से या वहीं से गाड़ी खड़ी थी हमको पता नहीं, मगर ये दोनों बातें जम्मू कश्मीर पुलिस का, और मुझे पूरा इसमें जो सीरियस अगर कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहा है तो जम्मू कश्मीर पुलिस का मामला दिख रहा है, बाकी का सब तो बाप रे। Mangled remains of the car is at the spot that is investigated.
but difficult to identify at this stage. The terrorists did not target the security car ahead of the bus. The plan was only to target the. और अब ये देखिए ये रिपोर्ट इतनी खतरनाक है ब्रेकिंग न्यूज वाली काफिले की उड़ी बस बुलेट प्रूफ नहीं थी इसलिए बनाया निशान ओके कॉन्वॉय का टाइम सीक्रेट होता है रूट सीक्रेट होता है इसको अपॉर्चुनिटी स्ट्राइक भी बोला जाता है मगर पॉइंट बीइंग के उनको पता था ये गाड़ी कौन को टारगेट करना है यहाँ तक अगर इन्फॉर्मेशन है उनके पास तो ये बहुत खतरनाक बात बहुत ही खतरनाक बात है कि अंदर तक वो लोग को अभी इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि ये गाड़ी फलाना टाइम पे होगी ये जगह पे होगी आपको उसको उड़ाना है अभी दरकार पांच नंबर पहली रिपोर्ट सभी पेपरों में आई स्कॉर्पियो कार बराबर है 350 किलो और स्कॉर्पियो कार ब्लैक कलर की इफ आई नॉट मिस्टेकन ये रिपोर्ट आई थी थोड़े दिनों के बाद वो गाड़ी और उसमें ये भी आ गया था कि उसका इंजन नंबर चैसी नंबर कुछ नहीं है क्योंकि वैसे भी धमाका इतना बड़ा हुआ था कि वो इंजन नंबर चैसी नंबर मिलने वाला नहीं था मगर उसके बाद एक अच्छी रिपोर्ट आ जाती है कि वो एक लाल मारुति थी इको गाड़ी और उसका इंजन नंबर चैसी नंबर ये है वो सज्जाद भट्ट ने खरीदी थी और वो सज्जाद भट्ट भाग चुका है ओके तो इस हद तक की जो आई विटनेस रिपोर्ट्स क्योंकि उनको जवानों से रिपोर्ट मिल रही थी वो दूसरे बसों में थे ओके तो एक स्कॉर्पियो गाड़ी और बाद में एक इको गाड़ी मारुति गाड़ी नहीं समझ में आती स्कॉर्पियो की एक मॉडल दूसरी तीसरी हो सकती है मगर पूरा का पूरा गाड़ी बदल जाता है इट इज़ अनबिलीवेबल So what we have asked, is this fake evidence being fabricated as part of the cover-up? क्या fake evidence, concocted evidence वहाँ place करके ये पूरा जो उनको cover-up करना है वो सब चल रहा है क्या ये हम सवाल खड़ा करें Fact 6, जैसे मैंने पहले बताया चार अलग रिपोर्ट आई है गाड़ी के पहला रिपोर्ट इट वॉज ट्रेलिंग फ्रॉम जम्मू टू ये 200 किलोमीटर का मामला है गाड़ी जो मारी फाइनली पुलवामा वाला अटैक वो 20 किलोमीटर फ्रॉम श्रीनगर हुआ है तो वो गाड़ी पूरा ट्रेलिंग कर रही है पहले तो ये रिपोर्ट आया दूसरा रिपोर्ट रिवर्स फ्रॉम साइड रोड थर्ड रिपोर्ट वेटिंग ऑन द साइड एंड देन फ्रॉम द ऑपोजिट साइड चार अलग रिपोर्ट है एक ही अटैक और इसका कोई मीडिया हाउस इन्वेस्टिगेट नहीं करा सात नंबर का मामला तो और भी डेंजरस है क्योंकि दो किस्म के रिपोर्ट आई कार हिट द बस और डेटोनेटेड द बॉम्ब व्हेन क्लोज टू द बस डेटोनेशन का मतलब है कि किसी ने मशीन मोबाइल दबाया है और उसके बाद डेटोनेशन हुआ है और ये कॉन्वॉयज में जैमर होता है वो पूरे कॉन्वॉय के साथ तो डेटोनेशन कैसे हुआ अगर हुआ है तो जैमर क्या कर रहा था ये अनबिलीवेबल है okay? अभी इंटेलिजेंस वार्निंग्स पे आते हैं लोग आठ फरवरी को जम्मू कश्मीर पुलिस हैड सेंट अ स्पेसिफिक इंटेल अलर्ट हेडलाइन एक्सट्रीमली अर्जेंट टू द सीआरपीएफ तो जम्मू कश्मीर पुलिस का इसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी थी वो बहुत स्पेसिफिक थी बहुत ही स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन इसलिए ये फेलियर ऑफ इंटेलिजेंस नहीं है फेलियर टू एक्ट ऑन द इंटेलिजेंस का सवाल है तो पहला क्या था 8 फरवरी का एक उनका एक्सट्रीमली अर्जेंट टू द सीआरपीएफ बीएसएफ आईटीबीपी एसएसबी आर्मी एंड द एयरफोर्स सबको वार्निंग दी थी ऑफ अ पॉसिबल आईईडी अटैक इट वाज सेंट ऑन बिहाफ ऑफ द आईजी पुलिस कमिश्नर ऑफ कश्मीर एंड आस्किंग ऑल सिक्योरिटी एजेंसीज टू सैनिटाइज एरियाज प्रॉपरली बिफोर ऑक्यूपाइंग अ प्लेस ऑफ डिप्लॉयमेंट एज देयर आर इनपुट्स दैट आईडीज टू बी यूज्ड पहले से आ गया था 8 फरवरी को कि ऐसा आईडी का हमला हो सकता है पूरा के पूरे इलाके सबको सैनिटाइज करो सिक्योर करो दूसरा इंपॉर्टेंट क्लू है 12 फरवरी का दो दिन पहले वापस ये सभी के साथ शेयर होता है क्योंकि एक वीडियो आया वो वीडियो केम फ्रॉम अ ट्विटर अकाउंट 313_GET और ये जो और ये जो 33 सेकंड की क्लिप है वो वार्न करता है कि एक सुसाइड अटैक हम लोग करने वाले हैं जो सोमालिया टाइप जो होता है ना सुसाइड अटैक हम लोग करेंगे ये वो क्लिप थी
और जम्मू कश्मीर पुलिस ने और एक काम किया उसके बाद, उन्होंने एक डमी वीडियो क्लिप तैयार की जम्मू कश्मीर पुलिस ने और एक काम आगे किया उन्होंने एक डमी क्लिप वीडियो क्लिप तैयार की बताने के लिए कि एक सुसाइड टेरर अटैक कैसे होता है और कैसे पॉसिबली यहाँ पे होने वाला है। 8 फरवरी का वार्निंग इंटेल अलर्ट वेरी क्लियर, आईडी अटैक 12 फरवरी एक वीडियो आ जाता है कि हम लोग सुसाइड अटैक करने वाले हैं और खुद उस पर जम्मू कश्मीर पुलिस एक डमी वीडियो तैयार करती कि इस किस्म से हमला आप पे हो सकता है। तो इंटेलिजेंस फेलियर का तो सवाल आता नहीं, पूरा का पूरा उनको पता था, दे न्यू ऑफ दिस अटैक कमिंग, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ इंटेलिजेंस फेलियर, इट्स अ मैटर ऑफ कंप्लिसिटी। और एक इंपॉर्टेंट बात, फैक्ट नंबर 10, ये पूरा नीचे तक जाओ, बिफोर ऑक्यूपाइंग द प्लेस ऑफ डिप्लॉयमेंट प्लीज सैनिटाइज द एरिया प्रॉपरली, ये जम्मू कश्मीर पुलिस का 8 तारीख का सर्कुलर है, सबको भेजा गया। फैक्ट नंबर 10, अ फ्यू डेज बिफोर द अटैक द यूएस इशूड अ ट्रैवल एडवाइजरी टू इट्स सिटीजन्स वार्निंग दैट वी टू बी केयरफुल। इसमें और एक इंपॉर्टेंट बात है कि इंटरेस्टिंगली इट रिफर टू पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर एज आजाद कश्मीर विच द मोदी गवर्नमेंट हैज नॉट ऑब्जेक्टेड टू एज ऑफ येट। सवाल यह है कि क्या अमेरिका के पास कुछ क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन आया था 26/11 टाइम पे भी इनके पास ओबरॉय ट्राइडेंट का सब इन्फॉर्मेशन उनके पास आ गया था, तो क्या इस टाइम भी अमेरिका के पास कुछ इन्फॉर्मेशन आया था कि इस किस्म का आतंकवादी हमला होने वाला है जिसके कारण उन्होंने एडवाइजरी दी थी अमेरिकन सिटीजन को कि इन इलाकों में मत जाना, एंड डिड दे शेयर दिस इंटेल विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द अदर डेंजर पार्ट की जो M4 मशीन गन्स अफगानिस्तान में नेटो यूज करती है वो भी M4 मशीन गन्स वैली में आ चुकी है, वो कैसे आ रही है कौन ला रहा है, मगर ये अमेरिकन मेड M4 मशीन गन्स है। एक और एक इंपॉर्टेंट घटना घटी 13 तारीख को जो एक्चुअली कोई कनेक्ट नहीं कर रहा है 14 तारीख के हमले को लेकर। 13 तारीख को 2:30 बजे एक ग्रेनेड अटैक हुआ एक स्कूल में सिरनू गांव काकापोरा एरिया पुलवामा, 19 बच्चे घायल हुए उसमें से 5 बच्चे का अस्पताल लेना पड़ा, मतलब एक सीरियस ग्रेनेड अटैक हुआ था 13 तारीख को। अभी साथियों काकापोरा एरिया पुलवामा एरिया एक दिन पहले ग्रेनेड अटैक होता है उसके बाद क्या होने वाला है, उसके बाद सिक्योरिटी और बढ़ेगी उधर और कॉर्डनिंग होगा और लगभग ऐसी सिचुएशन हो जाएगी कि चप्पा चप्पा पे पैरामिलिट्री फोर्सेज आ जाएगी। उस कंडीशन में ये काकापोरा टू लेटपोरा गाड़ी कैसे आती है विदाउट अनचेक बाय द बीएसएफ द राष्ट्रीय राइफल्स इज इम्पॉसिबल। दिस क्वेश्चन नंबर 5 आई कम टू इट, या अनिल यस, नाउ द फन स्टार्ट्स। आदिलदार जो गांव से आता है गुंडीबाग और एक काकापोर एरिया से वो 10 किलोमीटर है ये हादसे की जगह से, ओके okay? और जैसे मैंने कहा कि ये पूरा काकापोरा पुलवामा एरिया उसमें सिक्योरिटी हाइटेंड हो जाएगी ये ग्रेनेड अटैक के बाद, चाहे वो आप चलते पैदल जाओ या गाड़ी से जाओ आपकी चेकिंग होने वाली है। तो जब हाइटेंड सिक्योरिटी है और पूरा सैनिटाइज हो गया है तो तब ये गाड़ी और ये सब कैसे हो रहा है। अभी हम लोग आते हैं आदिलदार को लेकर। आदिलदार मुंबई मिरर का आपको सबको स्टोरी पता है कि वो 6 बार पकड़ा चुका है, उसको सी ग्रेड कैटेगरी में रखा है, ओके okay? मगर और एक इंपॉर्टेंट बात है जो ये मुंबई मिरर की स्टोरी है, हाँ ही वाज डिटेन 6 टाइम्स बाय द फोर्सेस ओवर देयर, ठीक है वो। अभी ये इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, कश्मीर टाइम्स का एक रिपोर्ट है दैट आदिल दार वाज अरेस्टेड ऑन 9th अक्टूबर 2017 इन अ शूटआउट विद द आर्मी, मतलब पत्थर मारने के लिए उसको नहीं पकड़ा गया था, वो शूटआउट में इन्वॉल्व था, 2 मिलिटेंट्स उसमें मर गए थे एंड 1 वाज अरेस्टेड, ओके उसमें आदिल दार वो शूटआउट में पकड़ा गया, वो अभी कश्मीर टाइम्स का अप्रूव देते कश्मीर टाइम्स का रिपोर्ट।
ये कश्मीर टाइम्स का रिपोर्ट है या आदिल अहमद दार है? अभी यही आदिल अहमद दार है, दूसरा कोई आदिल अहमद दार है वो उनको बताना पड़ेगा। और वैसे ज़्यादा 180 से 200 से ज़्यादा मिलिटेंट नहीं है, कितने डजन दो डजन या ये नाम बारे मुझे तो गूगल के बाद कोई मिला नहीं कि और कोई आदिल दार एक्चुअली वो ऑपरेट कर रहा है। तो ये कश्मीर टाइम्स की रिपोर्ट है, शूट आउट में आदिल दार पकड़ा गया, उस पर FIR तक नहीं बनी। वॉट इज गोइंग ऑन? आदिल दार पे कोई FIR नहीं बनी। नाउ फैक्ट नंबर 13, आदिल दार वाला मामला हो गया सुसाइड, उसका वीडियो आ गया। ये स्पष्ट है कि आदिल दार सुसाइड बॉम्बर है, जैश मोहम्मद का मेंबर है, जैश मोहम्मद जिम्मेदार है, वो स्पष्ट है, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है कि पहला जो मास्टरमाइंड आया अब्दुल गाजी, ओके, गूगल किया, पता चला अब्दुल गाजी 2007 जुलाई में मर चुका है। विकिपीडिया खाली गूगल कर लो तो 2007 जुलाई में अब्दुल गाजी मर चुका है ये रिपोर्ट आती है। लेट्स सी अब्दुल गाजी, ये अब्दुल गाजी, की कॉन्स्पिरेटर अब्दुल गाजी, अब्दुल रशीद गाजी, ओके, थोड़ा ऊपर है, ये जुलाई 2007 में मर चुका है, अगर उसका विकिपीडिया करोगे तो, ठीक है। तो ये हो गया अब्दुल गाजी, स्टोरी खत्म। उसके बाद और एक आता है मास्टरमाइंड, इस बार कोई कमरान करके, दो चार नाम आ जाते हैं, एक्चुअली चार नाम आए हैं, ओके, कमरान आया, फिर ये ओमार ओमार भी कुछ है और नाम है, मगर अभी पहले तो अपन कमरान पे जरा हो जाते जिस वो। ठीक है, तो एक तो अब्दुल गाजी वाला वो फेक था, अभी हम लोग नेक्स्ट पेज आते हैं, ये आता है कमरान। नाउ द नेक्स्ट मास्टरमाइंड दैट वी कम टू इज कमरान। कमरान का ये फोटो आता है सभी चैनल्स पे, सभी मीडिया में, अभी हम लोग आगे देखते हैं कमरान का मामला। कमरान का फोटो फोटोशॉप किया गया है, ये एक ब्राजीलियन पुलिस यूनिफॉर्म है, ये बदन है और इसमें किसी का फोटो लगाया गया। ये फोटोशॉप किसने रिलीज किया? मैं जय महाराष्ट्र चैनल पे था, मैंने मेरे दोस्त को बोला जो एंकर है, बोला भाई ये फेक फोटो है, बोला कैसे हो सकता है, हमको तो सुरक्षा यंत्रणा की तरफ से है, ओके, सो जस्ट गो अप नाउ। ये ओरिजिनल बंदा है, ये पुलिसमैन है ब्राजील का, जिसका फोटोशॉप करके कमरान का फोटो वहां, सिर का फोटो वहां डाल दिया, बाद में ट्विटर वालों ने एक्चुअली ये कमरान वाली स्टोरी को भी मजा बनाना शुरू किया। ये बॉन जो भी है अमेरिकन का मशहूर सिंगर है, तो ये कमरान की जगह पे फिर बॉन जोवी का फेस लगा दिया और वो खुद हमारी सुरक्षा यंत्रणा का मजाक उड़ा रहे कि अब ये क्या चल रहा है। और एक शाम को 14 तारीख और एक घटना घटी, शोपियान टेरर अटैक। जम्मू कश्मीर की बीजेपी की सेल ने एक प्रेस रिलीज निकाला और कहा कि शोपियान में एक टेरर अटैक हुआ है, तुरंत टाइम्स नाउ ने उठा लिया और पूरे क्या ऑलरेडी 14 तारीख को अपना 3-10 को ये घटना घटी, जब अपने 44 अपने जवान मरे, उसके बाद शाम को शोपियान टेरर अटैक, उसको डिनाई किया CRPF ने, उसको डिनाई किया CRPF ने कि कोई ऐसा शोपियान में टेरर अटैक नहीं हुआ, मगर जम्मू कश्मीर की बीजेपी की सेल ने शोपियान वाली टेरर अटैक की झूठी खबर फैलाई जो टाइम्स नाउ ने उठाई। ओके, ऑफ कोर्स देन वी कम बैक टू द CRPF मैटर, जिसमें एक CRPF के जवान बोलते हैं, वी आर कंसर्न फॉर आर सेफ्टी इन द वैली, ट्रैवल बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर इन्वॉल्व्स टू मच रिस्क, व्हाई कुड इन जवान्स बी ट्रांसपोर्टेड बाय एयर और इन बुलेट प्रूफ बसेस। ओके, ट्रांजिट ऑफ जवान्स बाय एयर वुड नॉट ओनली इंश्योर सेफ्टी बट ऑल्सो बी फास्टर एंड कॉस्ट इफेक्टिव। और जो VPS पनवार रिटायर्ड IGP CRPF,
The need of the hour is that the CRPF must be provided with bulletproof vehicles. Arrangements should be made by transport by air, especially when so many jawans get stranded during winters. Movement of 78 vehicles in a convoy was like a sitting duck for the terrorists. I feel transporting so many jawans together was not the correct decision. Go. ये आर्मर्ड बस होनी चाहिए, ये 50 लाख की गाड़ी होती है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, इतने तो आजकल सूट पहनते हमारे प्रधानमंत्री, 50 लाख का ये गाड़ी आर्मर्ड का जो उनके पास होनी चाहिए, ऊपर जाओ, ये हमारी बस है जो सीआरपीएफ जवान को मरने के लिए भेजते हैं, ये एसटी बस से भी बदतर आ गए। हमने ब्रिगेडियर सावंत से बात कर रहा था तो बोले कि हमारी पूरी जिंदगी ऐसे बसेज में गई है, इट इज़ टोटली अनफेयर। मतलब वॉल्वो बस में भी नहीं बैठा सकते जो हम लोग बॉम्बे पूरा जाते रहते, ये हालत है ये बसेस की। यू हैव मनी फॉर स्टैचू, ये सब पोस्टर जो फाइनली बना रहे थे लोग और भेज रहे थे, क्योंकि इस बार मैं देख रहा हूँ कि जनता बहुत बड़े पैमाने पे सवाल खड़े कर रही है, अपने पोस्टर्स बना रही है, मीडिया में जिस किस्म के कार्टून आ रहे हैं वो कार्टून के माध्यम से बहुत सारी बातें खुल जाती है। So then we come to the हमारा जो आठवां क्वेश्चन है, why despite the requested repeated request from the CRPF, the specific intel warnings, why wasn't the request approved by the Ministry of Home Affairs, Rajnath Singh, who will be held responsible and accountable here? Okay, there are many other questions that remain, बहुत सारे और सवाल हैं जो हम लोग पूछना चाहते हैं। Okay, और पॉइंट यह है कि जैसे 26/11 के बाद 27 तारीख को मोदी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और मनमोहन जी को जिम्मेदार ठहराया था कि तुम फेल हुए हो देश की सुरक्षा के लिए, वैसे ही आज चाहे वो कोई भी प्रधानमंत्री हो, क्योंकि हम लोग ने भी मनमोहन जी को वो टाइम पे या जो भी सरकार है कि तुम जिम्मेदार हो कि इस देश में आतंकवादी हमले ना हो, तुम जिम्मेदार हो कि देश सुरक्षित हो, इसलिए तो तुमको चुनकर भेजते हैं। वैसे ही मोदी जी के टाइम पे आतंकवादी हमले बढ़े हैं, हमारी ज़्यादा सिविलियंस कश्मीर में मरे हैं, आतंक और टेररिज्म एक्चुअली बढ़ी है, ये रियलिटी है मोदी के 4.5 साल के दौर की, एंड ही शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल। और उसमें यही बात आती है और ये बहुत खतरनाक बात थी कि बेसिकली वे वॉज मोदी दैट डे व्हेन द अटैक हैपेंड, वी नो ही वॉज इन कॉर्बेट पार्क। 3-10 को जो धमाका होता है तब वो क्या कर रहे थे उसके अलग अलग सबूत हमारे सामने आए हैं। 5-10 को वो रुद्रपुर में एक पब्लिक मीटिंग को एड्रेस कर रहे हैं बाई मोबाइल, वो रुद्रपुर की पब्लिक सभा को वो जब संबोधित कर रहे हैं तब भी वो पुलवामा टेरर अटैक की जिक्र नहीं करते, ये क्या चल रहा है? और जो बोल रहे हैं कि उनको कम्युनिकेशन नहीं हो पाया, अजीत डोवल ने लेट किया, तो एक वॉर सिचुएशन में अगर एक कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है जियो वाली दुनिया में तो फिर क्या हो रहा है? ओके, नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये बात आई कि अटैक होता है उसके बाद इंटेलिजेंस फेलियर की बात आती है, और यहाँ तो क्लियर कट है कि 8 तारीख का, 12 तारीख का सबका सब, और 13 तारीख की स्कूल की घटना कि वहाँ सिक्योरिटी थी, तो इनका बोलना है कि इंटेलिजेंस फेलियर हुआ हमारा, जैश यूजिंग न्यू टेक्नोलॉजी टू अवॉइड इंटरसेप्ट, उसका इंटेलिजेंस एजेंसी ने जम्मू कश्मीर सत्य जैश एंगल्स ऑफ द बॉम्बर हैव बीन यूजिंग अ पीयर टू पीयर सॉफ्टवेयर सर्विस YSMS। तो YSMS कश्मीर में ऑपरेट हो रहा है, जैश ए मोहम्मद के पाकिस्तान के बाद YSMS नहीं है, वो अजहर मसूद क्या बोल रहा है, उसका भाई बेटे क्या बोल रहे हैं, सबका बराबर से आ जाता है, कितनी बिल्डिंग तोड़ गई है मोदी ने तो हमारा सत्यानाश कर दिया, ये सब वो ऑडियो हमारे पास आ जाते हैं, मगर कश्मीर के अंदर जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी क्या बोल रहे हैं हमारी इंटेलिजेंस को पता नहीं चलता, तो ये सब प्लांटेड न्यूज़ बाद में आ जाते हैं, और सबसे ज़्यादा प्लांटेड न्यूज़ तो टाइम्स ऑफ इंडिया में, 300 मरे, ये हुआ वो हुआ, ये सब अखबारों के माध्यम से, ताकि जनता का एक माइंडसेट बने और सवाल पूछने वाले पूछ ना पाए। ओके, डिड जैश ए मोहम्मद यूज YSMS टू कॉन्टैक्ट द अटैकर? ठीक है, ये YSMS सब बोल रहे हैं,
मगर जम्मू कश्मीर पुलिस के पास क्लियर कट इन्फॉर्मेशन थी कि सुसाइड अटैक होने वाला, उसका वीडियो तक उन्होंने बना के बता दिया। ओके, नाउ वी कम टू दी सर्जिकल स्ट्राइक्स। एक्चुअली क्या है कि अभी जो हमारे पास बहुत सारे चॉइसेस हैं, 25 किलो के RDX को माने या 350 RDX को माने, वो भी चॉइस है, जो भी लेना है ले लो। और दूसरा चॉइस है कि 0 मने से लेकर 250-300 मरी, वो भी ले लो, जो भी मानना है, पूरा चॉइस है, ओपन मार्केट है आपके लिए, ठीक है। मगर बालाकोट के हमले के बाद जो सेक्रेटरी हमारे फॉरेन सेक्रेटरी थे, वी स्ट्रक द बिगेस्ट स्कैम एंड अ लार्ज नंबर ऑफ टेररिस्ट किल्ड, ये हमको हमारे फॉरेन सेक्रेटरी ने बोला। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी, वो भी सेक्रेटरी थे, मगर प्रॉब्लम है कि कोई सवाल वो ले नहीं रहे, यू कैन नॉट आस्क क्वेश्चंस, ओके। मगर याद करो, बहुत दूर की बात नहीं है कि 1999 की कारगिल जंग के दौरान, वाजपेयी जी का दौर के दौरान, सरकार की तरफ से एक स्पोक्स पर्सन होता था, मिलिट्री की तरफ से एक स्पोक्स पर्सन होता था, रोज शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी और हमारी मीडिया उनको सवाल पूछती थी। तब कोई नहीं बोलता था कि मिलिट्री को पूछने वाले आप एंटी नेशनल हो गए, कोई नहीं बोलता था कि आपने अगर सवाल पूछा तो आप पाकिस्तान के हाथ में खेल रहे। मगर ये जो माहौल ये लोग बना रहे हैं, क्योंकि उनके पास उत्तर नहीं है, उनको झूठी बोलना है, इसलिए ये मामला आ रहा है। दूसरी बात कि एक्चुअली अगर किसी ने पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा अभी फ़ायदा पहुँचाया है, वो मोदी की खुद की स्टेटमेंट ने, अपने आप को राफेल के सौदे में बचाने के लिए वो बोल रहे हैं कि काश अगर राफेल होता तो इस स्ट्राइक का रिजल्ट कुछ और होता। तो उसका मतलब क्या है कि ये स्ट्राइक फेल हुआ है? पाकिस्तान के पेपर मोदी का स्टेटमेंट और येदुरप्पा का स्टेटमेंट सबसे ज़्यादा उठा रहे। येदुरप्पा बोल रहे हैं कि भाई स्ट्राइक के बाद तो 28 की 22 हमारी कर्नाटक में, ओके। गुजरात का MLA ये बोल रहा है कि जो नेशनलिस्ट वेव आया पुलवामा के बाद, वो वोट बटोर लो। साक्षी महाराज, वो ट्रक पे लाश होती है और वो हंसी हंसी करके वो वेव करे जैसे इलेक्शन रैली में निकले। मतलब जो माहौल ये लोग ने बना दिया, कल पटना की रैली में वो CRPF के जवान को लाश पे कोई नहीं गया, BJP या जनता दल यूनाइटेड के लीडर सब रैली में बिजी थे, वो परिवार के लोग बोल रहे किधर है लीडर। तो ये स्पष्ट है कि ये पूरी लाशों की राजनीति जो गोधरा में हुई, वही लाशों की राजनीति पुलवामा में हो रही है। उसके साथ और एक बात देख लीजिए सर, इसका प्रूफ बहुत सिंपल है, बालाकोट की घटना का प्रूफ बहुत सिंपल है। ये जो हमको बताया जा रहा है TVP के प्लेन जा रहा है और बालाकोट का वो बिल्डिंग इधर है और प्लेन ऊपर से जा रहा है और बम फेंक रहे, वो जमाना गया, ठीक है। आज का जो हमारे ये जो मिराज और जो स्पाइस 2000 न्यूज हुए है, वो वीडियो आपको बता देंगे, बराबर ना, वी कैन शो वीडियो, ओके फाइन। बहुत आसान है, स्पाइस 2000 मिसाइल आप खाली गूगल करो, वो कंपनी का ऑफिशियल वेबसाइट का वीडियो आपको मिल जाएगा। और वो क्या बताता है, बेसिकली जो टारगेट है वो टारगेट पूरे सैटेलाइट कोऑर्डिनेट से वो आ जाते हैं कंट्रोल रूम के पास, एयरफोर्स के कंट्रोल रूम के पास वो पूरा कोऑर्डिनेट आ जाता है कि ये स्ट्राइक को मारना है। और वो जो मिसाइल मारती है वो 3 मीटर का प्लस और माइनस वाली बात है, इतना वो स्पेसिफिक है। वो पूरा का पूरा जो डिटेल्स है वो सॉफ्टवेयर फीड किया जाता है कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में, सॉरी फाइटर जेट के कंप्यूटर में वो फीड किया जाता है। मतलब मिराज के अंदर वो पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर, वो टारगेट आ चुका है, प्रोग्राम पूरा हो जाता है वो प्लेन कि ये टारगेट को मारना है, ओके। उसके बाद पायलट का एक ही काम है, वो लाल बटन दबाना एट द राइट टाइम, और कुछ उसका काम नहीं होता। मिसाइल का रेंज है 60 किलोमीटर, ये एयर टू सर्फिस मिसाइल होती है, आप आकाश से फायर करो वो जाके टारगेट को मारेगी हर मिसाइल पे। और आपने सब हॉलीवुड पिक्चर में देखा है, मैं जो बता रहा हूँ आपको, हर मिसाइल पे एक वीडियो कैमरा होता है, वो वीडियो कैमरा आखिरी क्षण तक पूरा अपना रिकॉर्डिंग भेज रहा है बैक टू द फाइटर जेट एंड टू द कंट्रोल रूम, पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। और जब वो स्ट्राइक करता है वो बिल्डिंग को या वो गाड़ी को, हमको पता है कि ये गाड़ी को तक स्ट्राइक कर सकते हैं, इतना हाई टेक्नोलॉजी है। तो अगर इनके पास जो वीडियो होता, दो भी मरे होते तो मोदी जी बता देते, मगर ये, और मैं पाकिस्तानी मीडिया, इंडियन मीडिया को रेफरेंस नहीं कर रहा हूँ, जितनी इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट आई है, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, जेन डिफेंस वीकली, गल्फ न्यूज़ वगैरह वगैरह, गार्डियन, टेलीग्राफ, जितनी इंटरनेशनल मीडिया है,
सबने हमारी बात को झुठलाया है. प्रॉब्लम इज दैट वी आर बिकमिंग एन इंटरनेशनल स्पेक्टिकल. ओके, मतलब द मीडिया इज गॉट आउट ऑफ कंट्रोल. मीडिया इज बीइंग जस्ट फेड एंड द मीडिया इज गर्जिटेटिंग एंड जस्ट गिविंग इट आउट. मीडिया इज नॉट टेकिंग एन इंडिपेंडेंट पोजिशन ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन एंड डूइंग इन्वेस्टिगेशन. और जिस प्रकार से बयानबाजी ये सरकार की तरफ से हो रही है उससे पूरी दुनिया में हम लोग एक्सपोज हो रहे हैं. आप आइए F-16 के मामले में, उस पर कोई बड़ी बात नहीं है. अमेरिका को खाली इतना ही पूछना है पाकिस्तान को, मैंने तुमको 60 F-16 दिए थे, मुझे बताओ 60 F-16 है कि नहीं. 60 F-16 है पाकिस्तान के पास, अमेरिका ने दिए हुए, लॉकेट मार्टिन ने बोला. ओके, वो 60 है कि नहीं अमेरिका को जाके पता चलना चाहिए कि है कि नहीं, वो खत्म कहानी. मगर अमेरिका भी तमाशा में लगी है अबाउट व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग. उसमें और एक देखिएगा, और मैं आर्म फोर्सेस को, मुझे उसमें मुझे बुरा भी लग रहा है कि आर्म फोर्सेस एक्चुअली झूठ नहीं बोलना चाहते. ओके, इसलिए जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई जिस दिन आई थिंक अभिनंदन आए थे, और जो आर्म फोर्सेस का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, हमको पहले बोला गया था कि जो आर्मी मिलिट्री नेवी के जो हमारे तीन टॉप है वो आने वाले हैं, मगर उस दिन वो नहीं आए. जो सेकेंड रंग के जो लीडर्स है आर्मी नेवी और एयरफोर्स के, वो आए. वो कोई फिगर देने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि वो प्रोफेशनल है, वो झूठ नहीं बोलना चाहते. मगर जिस मोदी ने उनको छूट दे दी कि आपको जो करना है करो, वो क्या प्रूफ नहीं दे सकते? मतलब मैं मारूंगा और प्रूफ सरकार दे, ये कौन सी बात? दूसरा बहुत इंटरेस्टिंग टर्म आया इस बार मोदी सरकार के द्वारा से, नॉन मिलिट्री प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक. ये तो मजाक का टर्म है. हमको पता है कि ISI है, पाकिस्तान की मिलिट्री है, इसलिए जैश ए मोहम्मद है, लश्कर ए तैयब है, जैश ए अदल है, ऐसे दर्जनों आतंकवादी संगठन जो पाकिस्तान में पल रहे हैं, वो सब पाकिस्तान मिलिट्री और ISI की सेफ्टी में पल रहे. तो ये नॉन मिलिट्री स्ट्राइक का क्या मतलब है? द मिलिट्री इज बिहाइंग जैश ए मोहम्मद, द मिलिट्री इज बिहाइंग हाफिज सईद. ओके, और ये भी क्लियर है कि आपने जब ऐलान कर दिया कि मैं आ रहा हूं, तो ये सब जगह खाली हो गए. वो सर्जिकल स्ट्राइक का ज्यादा मतलब नहीं था, इट वॉज ओनली फॉर पोलिटिकल थिएटर. आप स्वामीनाथन अंकलेश्वरिया का उसके पहले का संडे का आर्टिकल पढ़ लो, पुलवामा के बाद का. स्वामीनाथन अंकलेश्वरिया ने जो लिखा वही हुआ है. वो क्या लिखे? वॉर ऑप्शन नहीं है, आपको इलेक्शन जीतना है ना, तो एक सर्जिकल स्ट्राइक कर लो. सर्जिकल स्ट्राइक कर लो, पाकिस्तान बोलेगे नहीं हुआ, यहाँ की ऑपोजिशन पार्टी सवाल खड़ा करेंगे, आप उनको एंटी नेशनल बोलो और आप जीत गए. आपको इतना ही करना है, मगर वॉर में मत जाओ. वॉर में जाएंगे तो हम लोग ट्रैप में चले जाएंगे, हमारी इकोनॉमी को बहुत बड़ा सदमा होगा. तो डू द सर्जिकल स्ट्राइक फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिकल थिएटर, यू विल विन द इलेक्शंस. दैट इज व्हाट स्वामीनाथन अंकलेश्वरिया क्लियरली राइट्स इन द संडे टाइम्स. एंड व्हाट शुड एक्चुअली मोदी डन इन द लास्ट 4.5 साल में? मोदी को करना क्या चाहिए? He should have gone in for covert operations. अगर आपको एक्चुअली हाफिज सईद अजहर मसूद को मरना है और ऐसे जो भी उस कदम के, और दाऊद इब्राहिम को पकड़ के लाना है, वो भी बोला था कि लाऊंगा भाई, ना वाटवा को अंदर किया ना दाऊद इब्राहिम को लाए, ये तो हाल है. तो 4.5 साल में अगर मोदी को कुछ करना था तो कोवर्ट ऑपरेशन करने थे. वी कुड हैव कंबाइंड विद अफगान इंटेलिजेंस के हम लोग बहुत डीप है, वी कैन वर्क विद देम एंड वी कुड हैव गॉट दीज गाइज नॉक्ड आउट. मगर हमको ना जैश ए मोहम्मद के मौलाना अजहर को मारना है, क्योंकि यही सरकार के लोग थे, अजीत दोवल था, जिन्होंने अजहर मसूद को वापस दिया था. हाफिज सईद खुलेआम घूम रहा है, हम लोग अमेरिका की मदद मांग रहे हैं. 6 साल पहले हिलरी क्लिंटन ने हाफिज सईद पे $10 मिलियन के नाम दिया था, या डेड और अलाइव. हाफिज सईद खुलेआम घूम रहा है. अमेरिका इतना डीप है, वहाँ CIA FBI है, उनके एजेंट्स है, सब कुछ है, ड्रोन है, सब कुछ है. हाफिज सईद खुलेआम घूम रहा है. आपको आतंकवादी को मारना ही नहीं, क्योंकि आतंकवादी टेरर का और वॉर का एक पूरा इकोनॉमी है. देर इज एन इकोनॉमी ऑफ वॉर, ऑफ टेरर, ऑफ प्राइवेट सिक्योरिटी, ऑफ सर्वेलेंस, ऑफ द कॉर्पोरेट मीडिया. दिस इज हाउ द एंटायर वर्ल्ड इज राइट ऑफ ऑपरेटिंग. उसमें आजकल यही चल रहा है, मोदी जो बोल रहा है कि इफ यू हेट मोदी यू हेट इंडिया. ओके, एंड व्हाट इज हिटलर से? History and the German people will despise every man who does not give his everything to save the Führer. He said this in 1945.
हिटलर ने कहा था कि अगर आप मेरे साथ नहीं हो जो आप मेरा विरोध कर रहे हो आप जर्मनी के खिलाफ हो, ये वो हिटलर बोला था। ओके, दैट इज व्हाई फ्रेंड्स टू आस्क क्वेश्चंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, टू स्टेट द फैक्ट्स एज वी अंडरस्टैंड देम इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी परंपरा गांधी सुभाष चंद्र बोस भगत सिंह वाली है, ये लोग हमको देशभक्ति नहीं सिखा सकते, ये सब देश के गद्दार था जब हम लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे तो हम लोग डरे नहीं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत पहले हो जाती, कुछ कारण से हम लोग को लेट करना पड़ा, मगर अभी बहुत सारे साथी साथ में आ गए। ओके, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग, क्योंकि ये पूरे क्राइसिस में, और हमारा मानना है कि अगर हम लोग ने मिलकर ये सवाल नहीं खड़े किए, हम लोगों ने एक्सपोज नहीं किया, तो गोधरा कांड हुआ था फरवरी में, मोदी जीता था, अक्षरधाम हुआ था, मोदी जीता था, अक्षरधाम के जितने लोग अंदर किया था सब बरी हो चुके हैं। पठानकोट का कांड हुआ, पठानकोट के कांड में आपको बता दूं कि क्या हुआ था, जो सरविंदर सिंह जो पुलिस वाले ने जिन आतंकवादी को लाया पठानकोट के कैंप में उसको बरी कर दिया, सरविंदर सिंह वहां के ड्रग नेटवर्क्स में इन्वॉल्व है, पंजाब में जो पूरा ड्रग्स आ रहा है वो पाकिस्तान से आ रहा है, क्योंकि हमारा आर्मी और वहाँ BSF इन्वॉल्व है वो पूरे ड्रग्स को लाने, खास करके हमारे जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है वो हाईली करप्ट है। साउथ कश्मीर का भी यही प्रॉब्लम है, साउथ कश्मीर में OPM की फील्ड्स की खेती हो रही, खुलेआम हो रही, आप गूगल करो, आर्मी वहाँ नहीं है, वहाँ CRPF BSF के हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज है, मगर वहाँ ड्रग्स की खेती, अफीम की खेती साउथ कश्मीर में हो रही है। अगर ड्रग्स की खेती हो गई तो ड्रग्स स्मगलिंग होगा, ड्रग्स स्मगलिंग होगा तो ब्राइबरी होगी, और ये पूरा एक नेटवर्क ऑपरेट होता है जहाँ ये गाड़ी बाद में आ सकती है, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। पठानकोट में भी वही हुआ था, पठानकोट में जो सरविंदर सिंह इन्वॉल्व था उसका काम था कि जो पाकिस्तान से जो आतंकवादी जैश ए मोहम्मद के आए थे उनको वो पठानकोट की कैंप तक लेके गया था, 11 मिलिट्री चेक पॉइंट था वो 22 किलोमीटर के रास्ते में। जब वो पठानकोट की एयरपोर्ट के दीवार पे पहुंचे, क्योंकि वो एक फोर्ट है, एयरपोर्ट हमारा है, वो मिलिट्री का एयरपोर्ट है, एयरफोर्स का एयरपोर्ट है, वो वहाँ जहाँ से वो चढ़े वो लाइट्स बंद थी, तो क्या ISI के एजेंट पठानकोट के हमारे एयरपोर्ट के अंदर बैठे जहाँ वो लाइट बंद कर दी, वहाँ से लोग चढ़े एक हैंगर में गए जो हैंगर खाली था, पूरे रात भर वो रुके, और अगले दिन वो लोगों ने हमला किया था पठानकोट, और उस सरविंदर सिंह को अपने जाने दिए। उरी का आतंकवादी हमला, जो हमारे उत्तर प्रदेश के दोस्त थे वो बोलते हैं कि उरी के आतंकवादी हमले और उसके बाद का सर्जिकल स्ट्राइक का फायदा UP में हुआ था, इस बार का पुलवामा का आतंकवादी हमला और उसका सर्जिकल स्ट्राइक, ये मोदी को डायरेक्ट फायदा हुआ। और मैंने ये TV पे बोल दिया था, जैश ए महाराष्ट्र पे, जैश ए महाराष्ट्र नहीं, जय महाराष्ट्र, जय जय। वैसे जितना मीडिया के लोग, एक पोस्टर निकला है जैश ए मोदी, वो सब अपने जितने हिंदी चैनल और इंग्लिश चैनल के जितने लड़ाकू एंकर है जो, वो सबका एक जैश ए मोदी करके एक आर्मी बना दिया है। एनीवे, तब भी मैंने बोला था कि ठीक है तुम बोल रहे हो, वो BJP वाला ने मुझे बोला कि तुम तो बोल रहे हो जैश ए मोहम्मद ने किया, तो फिर तुम ये बाकी क्या क्या बोल रहे हो। मैंने बोला मैंने इंटरनेशनल टेरर को बहुत स्टडी किया है, जब राजीव गांधी को मारना था तो इजरायली मोसाड ने LTT को इस्तेमाल किया था। आतंकवादी संगठन जो होते हैं उसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज का इन्फिल्ट्रेशन होता है, नंबर वन, नंबर टू, आतंकवादी संगठनों को पैसा देकर बहुत सारा काम करवाया जाता है, और एक स्तर पे क्योंकि अजीत दोवल का नाम राज ठाकरे लिया था, हम तो पहले से एम के नारायण का भी हम लोगों ने नाम लिया था जब वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, हम लोग अजीत दोवल का नाम भी ले रहे, और जो राज ठाकरे बोल रहे हैं वो डिमांड को हम लोग सपोर्ट कर रहे कि अजीत दोवल का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और ये सब पुलवामा का पूरा भंडा फूट रहे, आप समझो हम लोग क्या भारी बात बोल रहे हैं। और ये बोलने के कारण हम जैसे लोग मारे जा सकते हैं, सनातन और अभिनव भारत पे पहले भी हम लोग जैसे लोग पे हमले की बात हुई थी, बच गए, हमारे काफ़ी साथी मर गए ये लोग के हाथों से, मगर अगर हम लोग नहीं बोलेंगे तो हम लोग ये देश को नहीं बचा पाएंगे। धन्यवाद सर। नाउ रिक्वेस्ट MA खालिद, उनमें भी वो करेज है और वो समझ है इन बातों की। MA खालिद भारत शमिली काउंसिल के अध्यक्ष है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपनी बात। दोस्तों, आज एक गंभीर विषय के ऊपर चर्चा करने के लिए मीडिया के साथियों को बुलाया गया, आप तमाम लोग यहाँ आए, आपका हम शुक्रगुजार हैं। जैसे कि आप जानते हैं 14 फरवरी को हिंदुस्तान के तारीख में
मिलिट्री के तारीख में पहली बार इतना बड़ा घटना हुआ जिसके अंदर हमारे 40 से 50 नौजवान को मार गिराया गया। हम इस वाक्य की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं, निंदा करते हैं। साथों साथ हम अपने गुस्से और गम का भी इजहार कर रहे हैं। ये जो वाक्या हुआ इतना बड़ा वाक्या था कि मुल्क के हर कोने कोने से आवाज उठने लगी। ऐसा इतना बड़ा वाक्या था इसके लिए लोग आवाज़ भी ज़्यादा उठा रहे, लेकिन इस गमो गुस्से के अंदर हमको ये नहीं बोलना चाहिए कि हम सवाल नहीं कर सकते। जमहूरियत के अंदर हुकूमत से सवाल करने का नाम ही जमहूरियत है। डेमोक्रेसी का मतलब ही सवाल करना है। हम किसी को कटहरे में नहीं खड़ा करना चाहते, लेकिन वो सवाल जिसका ताल्लुक हमारे मिलिट्री से हो, हमारे जवान से है, उनके जानों को इस तरह ज़ाय होने हम नहीं देंगे। इसीलिए हम आज सवाल करने के लिए आए। जैसे कि मेरे दोस्त फिरोज साहब ने सारी बातें आपको बताई, सवाल ये कि इतना बड़ा कन्वे के अंदर उनको कैसा पता चला कि कुछ गाड़ी या चार गाड़ी जो बुलेट प्रूफ नहीं है या बम प्रूफ नहीं है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब कहीं से नहीं मिल रहा। तो आखिर इतना बड़े वाक्या हुआ, हमारे मुल्क के नाले के अंदर गैस पैदा होता है, उससे कोई चाय वाला अगर चाय बना लेता है तो उसका क्रेडिट हमारा प्राइम मिनिस्टर लेता है, तो फिर आज इतना बड़े वाक्या मुल्क में हुआ इसके जिम्मेदार क्या प्राइम मिनिस्टर नहीं है? यकीनन इस वाक्य के जिम्मेदार हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, और हिंदुस्तानी होने के नाते हमें यह पूरा हासिल है कि हम उनसे सवाल करें। हमारा मकसद यहाँ बिल्कुल ये नहीं है कि मिलिट्री के कॉन्फिडेंस को कम किया जाए, बिल्कुल ही नहीं है, बल्कि हम हिंदुस्तान के मिलिट्री के शान बशाने चलने के लिए तैयार हैं। हम उन्हें एक ताकतवर सैनिक मानते हैं, लेकिन क्या पॉलिटिकल इच्छा कम थी कि जो हम टारगेट के पर नहीं पहुंच पाए? दुनिया के सबसे छठे पावर माना जाता है मिलिट्री के अंदर हमारे मुल्क के फौज को, फिर आखिर हमारा मुल्क का फौज आतंकवादी को निशाना क्यों नहीं बना सके? कुछ स्कॉलर का ये समझना है, कुछ तजियाकार कहते हैं कि एक्चुअल हमारे हुकूमत को जिस तरह पहले के सर्जिकल स्ट्राइक था उसी तरह का ये भी एक सर्जिकल स्ट्राइक करना था, जिसका मकसद किसी दहशतगर्द को मारना नहीं बल्कि हिंदुस्तान के आने वाले इलेक्शन में 300 सीट इकट्ठा करना था। कुछ अगर हम बारीकबीनी से सोचे तो ये बात समझ में आती है, बराबर है। अगर हिंदुस्तान की इतनी बड़ी ताकत अजीत दोवल जैसे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र होने के बावजूद भी हम निशाने चूक जा रहे तो क्या बात है? क्या हमारे जवानों के साथ, जवानों के जिंदगी और मौत के साथ वोट बैंक या बूथ को मजबूत करना मकसद है या इस मुल्क का दिफा करना मकसद है? एक सवाल है हमारे सामने। सवाल ये है कि मिलिट्री का इस्तेमाल मुल्क के दिफा के लिए होना चाहिए या वोट के जरिए इक्तदार पे आना? दोस्तों ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, जैसे कि वहाँ के आईजी, पुलिस के आईजी प्रॉपर इनपुट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देने के बावजूद उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया गया? सिर्फ पुलिस इंटेलिजेंस नहीं,
उसके बाद मिलिट्री इंटेलिजेंस होता है, रॉ का इंटेलिजेंस होता है, आईबी का इंटेलिजेंस होता है, सारे इंटेलिजेंस को फेल करके एक आदमी कुछ 7 किलो के आरडीएक्स कैसा जमा कर लेगा? क्या ये आरडीएक्स बाजार में मिलने वाली चीज है? यकीनन नहीं, ये तो डिफेंस के पास तो होता है या मिलिट्री के पास। अगर ये मान भी लेते हैं कि पाकिस्तान से आया है, तो मैं पूछना चाहता हूँ कितने वक्त में आया, कब आया? तो वहाँ पर जो हमारे मुख्तलिफ जो फोल्ड के ऊपर हमारे सिक्योरिटी है वो क्या कर रहे थे? आप जानते हैं, हम जानते हैं, इस मुल्क का सबसे गरीब आदमी भी जब कोई चीज़ खरीदता है अपने बच्चे के पेट को काट कर अपने हिस्से का एक पैसा वो मिलिट्री के सैलरी में देता है, इंटेलिजेंस के सैलरी में देता है, पुलिस की सैलरी में देता है, तो उनको यह हक हासिल है कि सवाल पूछना। आखिर पाकिस्तान से आरडीएक्स आया तो हमारे इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? क्यों फेल हुआ? इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ? दुनिया का सबसे ताकतवर फौजी ताकतवर मुल्क अपने कामयाब अदब क्यों नहीं ले सका? ये सवाल है, क्या हम नाकाम हुआ या हमारा पॉलिटिकल विल नहीं था? क्या हम ये समझ रहे थे कि हम पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, उनको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे तो पाकिस्तान रिटेलिएट नहीं करेगा, तो फिर हम आसानी से हमारे मुल्क के अवाम को बेवकूफ़ बना सकते? क्या ये मकसद था या असल मकसद ये होना चाहिए था कि जो 40 जवानों को उस दहशतगर्दों ने, जो जैश मोहम्मद के दहशतगर्दों ने हम पर हमला किया था, हम उनका बदला लेते? हम अगर जैश मोहम्मद के लश्कर तैयबा के और इब्दुल मुजाहिदीन के इस कैम्प को अटैक कर दिए होते और उनको निस्ब नाबूद करते तो हिंदुस्तान का शहरी खुश होता? आज हम सवाल करने नहीं बैठते बल्कि आज मोदी गवर्नमेंट की तारीफ करते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। इसलिए मेरे दोस्तों, इस मुल्क का, जमहूरियत का, इस मुल्क का सबसे बड़ा दुश्मन आज मीडिया बनकर रह गया। जब इसी मुल्क के अंदर मालेगांव अजमेर समझौता एक्सप्रेस में ब्लास्ट हुआ तो सबसे पहले हमारे मीडिया ट्रायल के जरिए मुसलमानों को उसके मुसलमानों पे उसका इल्ज़ाम थोप दिया गया, लेकिन बाद में एमन करकरे ने तहकीक करके पता लगाया कि भाई जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे वो उन लोगों ने काम नहीं किया बल्कि सेफ्रोन ने किया। तो उसी तरह आज भी पाकिस्तान के नाम पे हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। मेरे मीडिया का ट्रायल बंद होना चाहिए और मीडिया की जिम्मेदारी है कि हकीकी फैक्ट फाइंडिंग होना चाहिए और हकीकी तौर पर उन्हें रिपोर्टिंग करने की ज़रूरत है। दोस्तों, किसी भी मुल्क का उसके जमहूरियत का पैमाना जो नापा जाता है वो उस मुल्क के मीडिया से नापा जाता है। इसीलिए आपको आपके जिम्मेदारी का एहसास दिलाता हूँ, मैं यही अपनी बात करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। रवि रवि भिलानी जी को रिक्वेस्ट करूँगा। रवि भिलानी खुद मराठी अखबारों के एडिटर रह चुके हैं, लोकांचे दोस्त के अध्यक्ष है, एक बहुत बड़ा संगठन है, और रवि भाई अपनी बात। दंगल युद्ध वगैरे होईल की काय असं जे वातावरण तयार झालंय। खाली भाई एक स्पष्ट सांगतो, मला याच्यात बिलकुल आश्चर्य वाटलेलं नाही आहे। ही काय अकस्मात घडणारी घटना नाही आहे। गेलं वर्षभर, म्हणजे खास करून महाराष्ट्रात भीमा कोरेगाव सारख्या घटनांनंतर लक्षात आलं की ते कोणीतरी दंगल घडवण्याचा प्रयत्न करत आहे या महाराष्ट्रामध्ये, या देशामध्ये वेगवेगळ्या कारणांनी, मग ते मॉब लिचिंग असेल किंवा कोणत्याही कारणात, एक तर दंगल हिंदू मुसलमान दंगल व्हावेत किंवा दोन जातींमध्ये दंगल व्हावेत असे प्रयत्न होत होते। आणि ते प्रयत्नांची दिशा बघता हे लक्षात येत होतं की जर दंगली नाही करू शकले हे लोक
आपल्या सुदैवाने आणि त्यांच्या दुर्दैवाने जर दंगली नाही करू शकले तर या हे या देशाला युद्धाच्या उंबरठ्यावर नेऊन ठेवतील हा तुमच्या माझ्यासारख्या असंख्य कार्यकर्त्यांचा अंदाज होता. राज ठाकरेसारख्या लोकांनी तो बोलूनही दाखवला, आमच्यासारखे लोकही बोलली आणि त्यामुळेच म्हणतो आहे की यात आश्चर्य वाटण्यासारखं काही नाही की आज देश युद्धाच्या उंबरठ्यावर उभा ठाकलेला आहे. पुढचंही सांगतो की आम्हाला वाटत नाही युद्ध होईल असं, प्रत्यक्ष युद्ध होईल असं आम्हाला वाटत नाही, पण युद्धाचं वातावरण आणखी 2-3 महिने कायम ठेवण्यात कोणाचे तरी हितसंबंध आहेत आणि हे हितसंबंध कोणाचे हे काही वेगळं सांगायला नको. पुन्हा एकदा राज ठाकरेंचा उल्लेख करेन, त्यांना त्यांनी कोल्हापूरच्या सभेत जी मागणी केली त्या मागणीला माझं पूर्ण समर्थन आहे. त्यांनी असं म्हटलं आहे, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांच्या गेल्या 2-3 महिन्यातल्या ज्या ॲक्टिव्हिटी आहेत त्यांची चौकशी व्हायला पाहिजे. आता चौकशी कोण करणार हा पुन्हा प्रश्न आहे, कारण देशातल्या सगळ्या ज्या संस्था आहेत, सुरक्षा यंत्रणा आहेत, त्या पोखरल्या गेल्या, CBI आणि सगळ्याच प्रॉब्लेम झालेले आहेत, त्यामुळे कुणी कुणाची चौकशी करायचं हा एक आणखी मोठा प्रश्न आहे. तरीसुद्धा या देशामध्ये अजून काही चांगल्या गोष्टी, काही चांगले लोक, काही यंत्रणांमध्ये चांगली माणसं आहेत आणि आमचा त्याच्यावर विश्वास आहे. आम्ही भारतीय लोक आहोत, लोकशाहीवादी लोक आहोत, या लोकशाहीतल्या यंत्रणांवर अजूनही विश्वास आहे. अनेक न्यायाधीशांनी येऊन जरी बाहेर कंप्लेंट केल्या मीडियाकडे तरीसुद्धा आजही अनेक न्यायाधीश आणि यातल्या अशी लोकं आहेत की जे निःपक्षपातीपणे या गोष्टीची चौकशी करू शकतात. म्हणून आम्ही राज ठाकरेंनी जी मागणी केली त्या मागणीला मी समर्थन देतो आणि त्यांची चौकशी, अजित डोवाल यांची चौकशी व्हावी याचा पुनरुच्चार करतो आहे. दुसरा एक महत्त्वाच्या मुद्द्याकडे मला तुमचं लक्ष वेधायचं आहे. देशातला छोटा मोठा प्रत्येक माणूस आज देशासाठी युद्धाच्या असेल किंवा आतंकवाद्यांना खतम करण्यासाठी वाटेल ते करायला तयार झालेला आहे. अशा अवस्थेत पाकिस्तानबरोबर जे बिझनेस करतायत अजित डोवाल यांचे पुत्र शौर्य, त्याचा तो शूरवीरपणा बंद व्हायला पाहिजे. शौर्य तिथे पण त्यांनी दाखवायला पाहिजे की नाही पाकिस्तानचा जो पार्टनर त्यांनी घेतला आहे असद अली, अब्बास असद अली काहीतरी, तर त्याच्याबरोबर त्या धंदा त्यांनी बंद केला पाहिजे. अदानीने तिथले जे पाकिस्तानमधले आपले धंदे ते बंद केले पाहिजेत. भारतातून सर्वात जास्त मांस निर्यात पाकिस्तानमध्ये होते, तिथे ती तो बंद झाली पाहिजे. फक्त तुम्ही मुसलमानांना फक्त टार्गेट करण्यासाठी सांगता की नाही गोवंश हत्याबंदी, नामक हत्याबंदी, ते मांस तिकडे पाठवण्या, धंदे बंद करा. या पद्धतीने तुम्ही आधी दाखवा की तुम्ही किती देशभक्त आहात आणि मग इतर खऱ्या खुऱ्या देशभक्तांवर संशय घ्यायला हे करा. त्यामुळे माझी ही दुसरी मागणी आहे की शौर्य डोवल याची पार्टनरशिप किंवा जी काही कंपनी ती बंद झाली पाहिजे. आणि पुढचं एक आवाहन मी RSSला करू इच्छितो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला आवाहन करू इच्छितो. त्यांचे मोहन भागवत म्हणाले होते की 3 दिवसात आमचं सगळे संघ सैनिक आहेत ते बॉर्डरवर पोचतील. आज देशात प्रचंड तणावाचं वातावरण आहे, पाकिस्तानने आमचे 44 जवान मारले त्यांना सोडता कामा नये, पाकिस्तानला संपवलंच पाहिजे, माझीही तीच भावना आहे. आणि त्यासाठी मोहन भागवतांनी आपला दिलेला शब्द खरा करून दाखवावा. 3 दिवसाच्या आत त्यांनी त्यांच्या सगळ्या संघ सैनिकांना, संघ स्वयंसेवकांना बॉर्डरवर पाठवावं. त्यांनी गेली 43 वर्षे मी त्यांचा लाठ्याकाट्यांचा सराव गल्लीबोळात बघतोय, तो गल्लीबोळातला सराव त्यांनी आता बॉर्डरवर दाखवावा. म्हणजे या देशातल्या प्रत्येक माणसाला लढाईचं स्फुरण येईल, मिलिटरीचाही खर्च वाचेल, मिलिटरीचे जवान अधिक चांगल्या पुढच्या कार्यवाहीसाठी तादातवानं होऊन पुढे जातील. ही एक मागणी आहे. आणि शेवटी मी तमाम भारतीय लोकांना एक आवाहन करू इच्छितो तुमच्या वतीने. माझा आवाज किती भारतीयांपर्यंत जातो हा प्रश्न असला तरीसुद्धा मीडियावर अजूनही विश्वास आहे, कारण मी अनेक वर्ष संपादक म्हणून काम केलेलं आहे. आपण एखादी बातमी खरंच देशापर्यंत पोहोचू शकते याचा मला विश्वास आहे आणि त्या आधारे मी बोलतो आहे की जी शेवटची माझी जी मागणी आहे या सगळ्या भारतीय जनतेकडे, आपण भारतीय आहोत, आपले 44 जवान का मारले गेले, कसे मारले गेले हे आपल्याला कळायला नको. त्यामुळे प्रत्येक भारतीय नागरिकाने प्रश्न उपस्थित केलेच पाहिजेत. आम्ही आमच्या वतीने, आमचे फिरोज आणि आमच्या सगळ्या लोकांनी मेहनत घेऊन काही तथ्य आणि काही प्रश्न तुमच्यासमोर उपस्थित केलेले आहेत. त्यामुळे आता मी जनतेला असं आवाहन करू इच्छितो की आता तुम्हीही प्रश्न विचारलेच पाहिजेत. आपसात व्हॉट्सअपवर बोलण्यापेक्षा रस्त्यावर येऊन विचारले पाहिजेत, कारण हा देशाचा प्रश्न आहे, हा भारतीय जवानांचा प्रश्न आहे. आपण त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभं राहिलं पाहिजे. आणि शेवटी एकच घोषणा आहे जी सांगू इच्छितो, सवाल उठाओ भाजपा हटाओ. धन्यवाद.
इसमें मैं खाली इतनी बात जोड़ूंगा कि हम जतिन भाई यहाँ है और हम लोग देख रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के लोग कितनी मेहनत करें कि ये जंग ना हो, और पाकिस्तान और भारत के चाहे वो पत्रकार हो चाहे वो कार्यकर्ता हो, उनकी तो परिस्थिति और भी डिफ़िकल्ट बोली जाती है, मगर फिर भी वो सड़क पर आए। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भी पाकिस्तान की जनता सड़क पर आई कि अभिनंदन को वापस करो और भारत और पाकिस्तान के बीच भी जंग ना हो, वो भी एक रियलिटी है। ठीक है, तो देशभक्ति अपनी जगह पे है, पेट्रियोटिज्म हमारी जगह पे है, मगर हम लोग युद्धखोरी नहीं है, क्योंकि पता है कि युद्ध के पीछे क्या राजनीति हो रही है या आतंकवाद के पीछे क्या राजनीति हो रही है, हम वो बराबर से जानते हैं। मैं अभी रिक्वेस्ट करूँगा ज्योति बड़ेकर, वो अपनी बात करें। भरपूर जनतेच्या मनामधले प्रश्न आहेत की त्यांना हे प्रश्न पडलेत पण त्याची उत्तरं सरकारच्या मार्फत दिलेली गेली नाही आहेत। जर तुम्ही सर्जिक आणि खरं तर पूर्ण भारताचं नाव जर आता इंटरनॅशनल मीडियाच्या माध्यमातून खरं तर खराब होत आहे की सर्जिकल स्ट्राईक झालं आणि तुम्ही इकडे 300 आकडा सांगता पण वास्तवमध्ये तिकडे काहीच झालेलं नाही, उलट एका शेतकऱ्याला तिकडे फक्त लागलेलं आहे, त्याच्या पलीकडे तिकडे काहीही झालेलं नाही आहे। तर हे जे 300 आकडा सांगणं 200 आकडा जो आकडा असेल, पण मुद्दा आहे की तुम्ही एका बाजूला सांगता इतका मोठा आकडा सांगता आणि तिकडे वास्तव काय नाही आहे, ही नाचकी जर भारताची झाली असेल तर त्याची जबाबदारी देखील सरकारची आहे। वायुसेनेबद्दल आमचं कोणाचंही दुमत नाही, त्यांनी सर्जिकल स्ट्राईक झालंय की नाही तर झालंय, पण जे सरकारी यंत्रणांमार्फत जो आकडा फुगवून सांगितलेला जातो किंवा बनाव केला जातो कारण तर त्याचा मला असं वाटतंय की उत्तर सरकारने दिलं पाहिजे। आणि जर हा प्रश्न विचारणं हा जर गुन्हा ठरत असेल तर मला असं वाटतं आम्ही अगोदरच नाही तर मी स्वतः वैयक्तिक बोलते की मी गुन्हेगार आहे चालेल, पण या प्रश्नाचं उत्तर द्या कारण हा मुद्दा हास्यास्पद नाही आहे। ह्या 44 जवानांच्या इथे मृत्यू झालेला आहे आणि ही छोटी गोष्ट नाही आहे, खूप गंभीर बाब आहे की लष्करामध्ये अशा पद्धतीचे येऊन जर त्यांची हिंमत होते लष्करावर हमला करण्याची तर ही फार सुरक्षा यंत्रणेची देखील गांभीर्याने आपण नोंद घेतली पाहिजे की याची जबाबदारी कोणाची आहे। तर जर इतकी हिंमत त्यांच्यामध्ये येते की आपल्या कॉन्वॉयवर ते अटॅक करू शकतात तर याचा अर्थ ते लोफोज पण त्यांना माहिती आहेत की हा कान्हा इथे जातोय, ती माहिती ते आपल्या यंत्रणेपर्यंत येतात कसे आणि आपली सगळी माहिती त्यांच्यापर्यंत जाते कशी, मला असं वाटतं की हे खूप गंभीर आहे आणि त्याची सरकार म्हणून सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं दिली गेली पाहिजेत। आणि मला असं वाटतं माध्यमांमध्ये देखील खरं तर हे आता तो पुढे थोडं आपण सरकलोय पण जी चौकशी किंवा ज्याला आपण म्हणतो शोध पत्रकारिता, तर मला असं वाटतं भारतीय मीडियामध्ये खरं तर शोध पत्रकारांची खूप गरज आहे आता ह्या, कारण आपण अशा असं सिच्युएशनमध्ये आहोत ज्याचेही मला वाटतं पत्रकारांनी खऱ्या अर्थाने उत्तरं प्रश्न विचारले पाहिजेत आणि ते खूप गंभीर आहे। कारण मला असं वाटतं आमचे आम्ही जे विचारतोय ते किती जणांपर्यंत पोहोचेल, पण पत्रकारांच्या माध्यमातून खरं तर अजून त्याला त्याला बोलतो की गांभीर्याने विचारले गेले पाहिजेत आणि शोध पत्रकारितेची खऱ्या अर्थाने गरज आहे। आणि जे मोदींचं खरं तर इथे जे वाहवा करत आहेत खरं तर मला आश्चर्य वाटतं आणि मोदी स्वतः देखील अशा आविर्भावामध्ये आहेत असे पंतप्रधानांची मला वैयक्तिक मी म्हणते की लाज वाटते, कारण ज्या आविर्भावामध्ये ते वागत आहेत जसं काही खूप मोठं शौर्य केल्यासारखं पराक्रम केल्यासारखं ते वागत आहेत, तर मला असं वाटतं कारण ते म्हणतात की देश ऐसे सुरक्षित हातामध्ये आणि हात जोडतात, तर खरोखर मला असं वाटतंय त्या अशा पंतप्रधानांचा मी निषेध करते वैयक्तिक, कारण सगळ्यांची ती भूमिका असेल असं नाही कारण ज्या गंभीर हमला झाल्यानंतर एक पंतप्रधान म्हणून ज्या गांभीर्याने वागण्याची गरज होती ते मला असं वाटतं तुमच्या आम्हा सर्वसामान्य व्यक्तीला जे दुःख होतं ते दुःख सगळ्यांना पोचत होतं, म्हणजे कुणी आपण चांगलं फंक्शन असेल तर ते कॅन्सल केले होते, कोणाचं काय असेल मला तर आमची पत्रकार परिषद होती तर आपण तेव्हा सर्जिकल स्ट्राईकच्या वेळेस कॅन्सल झाल्या, सगळ्या मला असं वाटतं त्या गंभीर ह्याच्यामध्ये वातावरणामध्ये होतो, 3-3 दिवस लोक रॅली करत होते, निषेध करत होते, प्रत्येक जण आपापल्या पातळीवर हे करत होते, पण एक पंतप्रधान म्हणून मला असं वाटतं की त्यांनी अतिशय गांभीर्यपूर्ण राहायला पाहिजे होतं, ते त्यांनी कोणतंही गांभीर्य पाळलेलं नाही, उलट बकवास केलेली आहे। आणि त्या मीडियाला देखील त्यांचे जे चमचे मीडिया मी तर म्हणेन, कारण जी चमचे मीडिया
प्रत्येक प्रगत वेगवेगळे मीडिया आहेत, पण जी चमकगिरी मीडिया जी आपला वॉर रूम त्यांनी केलं होतं अशा चमके मीडिया जे त्यांच्या माध्यमातून ते बोलत होते, तर मला असं वाटतं त्याचं खूप गांभीर्यपूर्वक जनतेने विचार करायला पाहिजेत. आम्ही मी एका पक्षाची जरी असेल तरी इथे पक्ष म्हणून बसलेली नाही, पण सर्वसामान्य लोकांनी खरोखर विचार करायला पाहिजे की आपण अशा पंतप्रधानांचं वाहवाही करतो जी खोटं सर्जिकल स्ट्राईकच्या नावाने मतं मागण्याचे राजकारण करतात, तर खरोखर ही गंभीर बाब आहे आणि मला असं वाटतं अशा पंतप्रधानांचा मी निषेध करते. कॉम्रेड चारुल जोशी अपनी बात. पहली बात तो हमारे शहीद जवानों को मैं सलामी देता हूँ और एक दुख व्यक्त करता हूँ. लेकिन सबसे महत्व की बात यह है कि आर्म फोर्सेस इज हेडेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. नॉट अ सिंगल स्टेटमेंट हैज कम फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. दिस इज वेरी डिफिकल्ट एंड एवरीथिंग इज बीन गिवन इन द हैंड्स ऑफ आर्म फोर्सेस टू एक्ट. Nothing in the world has happened. The parliamentary system of democracy where parliament discuss the things. Ek bhi uske baad mein itne bade hadse ke baad parliament mein parliamentaryon ne sabne milke opposition sabne dukh vyakt kiya aur bharat ke indian air force ko salaam di, lekin aur hamare crpf ke jawanon ke liye, lekin parliament ke andar iske bare mein koi charcha nahi ho rahi hai. Yadi charcha ki jati hai to usko. और कल की बात है, मोदी साहब अपने अहमदाबाद में जिस तरह की एक भाषा वापर रहे थे, ये भारत का इतिहास में इस तरह की भाषा प्राइम मिनिस्टर भारत का कोई बोला नहीं. क्योंकि हमारे यहाँ चार युद्ध इसके पहले हुए हैं और इससे भी बहुत बड़े बड़े युद्ध हुए हैं, फुल फ्लेज युद्ध, लेकिन इस तरह की भाषा वापरी नहीं गई है. ये बहुत दुखद है, उसका मैं निषेध करता हूँ. और मैं चाहता हूं कि ये युद्ध का वातावरण कम हो. हम चाहते हैं कि सरकार इस तरह से, बाकी की बात एक होती है कि हम 200% उनके ऊपर, लेकिन उनसे 1000 करोड़ का धंधा होता है, हिंदुस्तान का 3000 करोड़ का धंधा होता है. ये परिस्थिति है ना, हम 200% उनके ऊपर टैक्स डाल के क्या करने वाले हैं ये मुझे पता नहीं, हमको कितना बेनिफिट होने वाला उससे. धन्यवाद. कुछ सवाल जवाब हो तो कर लेते हैं, उसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग कुछ पोस्टर्स है जो हम लोग बाद में देखेंगे, मगर कुछ अभी कुछ सवाल है तो आप बात करिए. हैं मीडिया के जो साथी बैठे, पुलिस के साथी खाली नोट करें, मीडिया के साथी सवाल करें. इज देयर एनीवन फ्रॉम मीडिया हू हैज एनी क्वेश्चंस? अभी क्या हो रहा है कि सवाल हमको अगर लग रहे हैं कि हम कुछ ही लोग इस देश में पूछ रहे हैं तो ये सही नहीं. आप ट्विटर पे देखो, आप फेसबुक पे देखो कि आम लोग भी पूछ रहे हैं और ये विंग कमांडर लेफ्टिनेंट कमांडर भी पूछ रहे हैं. वो बोल रहे हैं कि अभी हो चुके हैं 48 कलाक बालाकोट के बाद, सॉरी आफ्टर पुलवामा. आई कैन नाउ आस्क माई क्वेश्चन, हाउ डिड दी एसयूवी लोडेड विद 300 किलो आईडी, where did they get the figure of 300? That too immediately after the blast. Okay, वो बोल रहे कि अभी पुलवामा का अटैक हो चुका है, अभी मैं सवाल पूछ सकता हूँ कि ये गाड़ी कैसे आई इतना आईडी लेकर, इतना 300 किलो और इतना जल्दी ये फिगर कहाँ से आए? और ये लेफ्टिनेंट कमांडर गोकुल पूछ रहे. ओके, ये कौन बोल रहा है भाई? ये पोस्टर मिला था, किसी ने भेजा था, पाकिस्तान से उठकर नहीं आया है कोई तो है जिसने मुल्क के जवानों का सौदा किया है. 200 बोतल शराब पकड़ा जाता है और 200 किलो बारूद क्यों नहीं पकड़ा गया? सुनील यादव. ठीक है, अगर चौकीदार ने 18-18 घंटे चौकीदारी की होगी तो 350 किलो आरडीएक्स देश में कैसे पहुंचा? कहीं चौकीदार करने से मैं व्यस्त तो नहीं था? ओके, जाइए. ये कौन है? जयश्री विजय. गवर्नमेंट को, हाँ जरा करो ना वो साइड पे भी चले. हाँ, गवर्नमेंट को 350 किलो आरडीएक्स नहीं मिलता मगर 1 किलो बीफ पकड़ा जाता है और लिंचिंग भी हो जाता है. मीडिया ने भी कुछ सवाल खड़े किए थे, जो सवाल मैंने रखे तो हम लोग उसको आगे जा सकते हैं.
अभी इस पे आइए, ये पोस्ट वाइक चिल्ड्रन को शुरू में देखना चाहे था। इलेक्शन की स्ट्रेटेजी 2019 की क्या होगी? टेरर अटैक्स फेस करेगा वो रोएगा, पाकिस्तान के साथ जंग करेगा, दंगे करवाएगा या माई असैसिनेशन प्लॉट। ये पुराना पोस्टर है मगर ये पोस्टर बहुत भयंकर है। ओके, ये जो कार्टून बना है इलेक्शन 2009 आतंकवादी हमले 2019 आतंकवादी हमले करवाएगा, रोएगा, पाकिस्तान के साथ जंग करेगा, दंगे होंगे या मुझे मारने की कोई साजिश रची जाएगी जिसमें से मुझे फायदा मिलेगा, ये पोस्टर है। ये कॉर्बेट पार्क वाला है कि आप कॉर्बेट पार्क में उसकी शूटिंग उसकी फैशन वाला शूट चल रहा था, उसका एक पोस्टर बना। वो कॉर्बेट को लेकर ये सिर्फ ट्वीट कर रहा हूँ, मैंने बोला ना इस बार बहुत हम लोग ये सवाल पूछ रहे थे, बिंदास पूछ रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर को एक्चुअली ये कब पता चला कि ये पुलवामा का अटैक हुआ है। ओके, एक तो अगर वो मॉडलिंग कर रहा है और उसको पढ़ी नहीं थी तो इट इज़ ही इज़ वेरी डिस्पेक्टेबल एंड इफ द न्यूज़ रियली रीच हिम आफ्टर एवरीवन हैज़ गॉट टू नो देन ही इज़ इनकॉम्पिटेंट। अगर उसको हम सबको पता चलने के बाद उसको दो घंटे के बाद पता चलता है तो ये बहुत खतरनाक बात है और बहुत इनकॉम्पिटेंट है। मैं वो वायर है अभी वो कंफर्म हो गया था कि फोटोशूट पुलवामा होने के बाद भी उनका कंटिन्यू हो रहा था। ओके, गवर्नमेंट बोल रहा है कि उसको इन्फॉर्मेशन बहुत लेट मिला, मगर अगर एक वॉर हो जाती, न्यूक्लियर स्ट्राइक की बात होती और अजीत डोवल मोदी को कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहा है मोदी अगर, तो ये एक्चुअली यंत्रणा क्या है? कॉर्बेट वाले मामला है, वी आर अवेयर ऑफ दिस रूटीन, नो प्रॉब्लम। उसके बाद वो ट्रेन का उद्घाटन करते हैं, मतलब ये हादसे के बाद, ये दुर्घटना के बाद, ये आतंकवादी हमले के बाद पूरा कंडोलेंस का जो माहौल चला, दो या तीन दिन पूरी छुट्टी ये इसके लिए देनी चाहिए, वो प्रेयर एंड कंडोलेंस के लिए नेशनल हाफ मास्क पे ये झंडा होना चाहिए था, मगर ये जाके ट्रेन का एक रिबन काट रहा है, वो ट्रेन भी ख़राब हो गई हुआ कल बात। दिस इज द सेम, ये सब चल रहा है उसका काम, ये पुलवामा की बात। दिस इज मोदी पुलवामा के बाद, अलग अलग दिन अलग अलग कपड़े और उसका चेहरे पे हंसी मजाक की, जो हंसी मजाक उसकी बंद हो गई थी ऑल ऑफ सडन भाइयों बहनों में वो ताकत आ गई और पूरा इलेक्शन बोर्ड में चला गया कि खून खोल रहा है, क्योंकि उसको वही राजनीति आती है। तो आप देखोगे कि मोदी पुलवामा के बाद क्या किसमें लग गया। ये आता है वो सलमान जो आया है वो आइसिस का बाप है दुनिया का, सऊदी अरेबिया का जो किंग सलमान है वो वहाँ भी जिहादी आतंकवाद का केंद्र है दुनिया का, और हम लोग मान रहे हैं कि सलमान हमको आके अलकायदा और आइसिस के खिलाफ लड़ने में मदद करने वाला है, जो यही आतंकवादी लोग हैं। इमरान यह वहाँ मिलकर आया वापस, उसके बाद यहाँ आया और इमरान, ये थोड़ा मेरे से हो नहीं पाया, मगर वो किधर है तो एलिफेंट इन द रूम थे भाई, लश्कर थे भाई, तुम्हारे घर में बैठा है हजर मसूद, सब लोग तुम्हारे घर में बैठे और पूरी दुनिया को मालूम है, तो तुम क्या डिनाई करोगे इस बार? ये बहुत प्यारा कार्टून है मेरा, वहाँ भी टेररिज्म की बहुत चर्चा होती थी मगर अभी वो यहाँ भी वहाँ भी आ गया है, क्या करेंगे अभी? और उसके एक्चुअली डेंजर ये कि ये जितना पैसा सऊदी से आने वाला है उसके जो सामाजिक परिणाम होने वाले हैं, ये जो पूरा भाव ही, ये जो जाकिर नायक ब्रांड ऑफ इस्लाम है ये बहुत खतरनाक है, ठीक है। और उसके बाद पुलवामा की पूरी नौटंकी चलती रही, हंसी मजाक कैंपेनिंग मेंबरिंग सब चल रहा है, 25 तारीख को दलितों का पैर धो रहा है और आज रिपोर्ट आई कि वो बेचारे दलित वही काम में लग गए जो पहले करते थे, कुछ फर्क नहीं पड़ा, 5 दिन आगे वो मीडिया में। तो ये 25 तारीख को ये हुआ, ये पैर धोने वाला मामला, और उसके बाद 26 तारीख को जाके पाकिस्तान की धुलाई की बात करता है। ये हकीकत
कि बेसिकली जो स्कैवेंजिंग कम्युनिटी का जो हाल है, मतलब कितने सारे आतंकवाद के हमले में जितने लोग नहीं मरते जितने अपने गटरों में अपने साथी मर जाते, ठीक है, ये हाल है इसका। और बेजादा मिल्स ने उसका बड़ा जवाब दिया था कि 5 साल हो गए मगर हमारे लोग वहीं के वहीं हैं। यह है गुजरात का एक MLA पुलवामा के बाद बोला कि अभी जो राष्ट्रवादी जो पूरा वेव आया है वो वोट बटेरों में लग जाओ, पुलवामा के तुरंत बाद ये गुजरात के MLA बयान देता। तो उनकी राजनीति पुलवामा का क्या फ़ायदा, ये सब उनको तो स्पष्ट दिख रहा था। ये पोस्टर निकला था उनके सपोर्टरों से, मेरे वोट से अगर पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक आती है तो मेरा वोट भाजपा को, क्लियर कट कि आप सर्जिकल स्ट्राइक करो मेरा वोट आपको, ओके। तो जो बोल रहे कि इसके राजनीतिकरण मत करो भाई, इसका ये पूरा का पूरा मामला राजनीति है। सेना कहाँ, ये तो हर हो गई, सेना के जवान मरने के लिए ही होते हैं, वो नहीं मरेंगे तो क्या हम और हमारा मतलब ये भाजपा कार्यकर्ता मरेगा? सेना के मरने के लिए ही पैसे मिले जाते हैं। नेपाल सिंह भाजपा सांसद, इसको कोई एंटी नेशनल नहीं बोला, चलिए बोलो। मतलब वो जो बात आई थी कि मोदी ने तुरंत 26 घंटे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, इसको पूरा राजनीतिक बना दिया था और आज बोले कि इसका सवाल मत करो। ये अमित शाह ने बोला था कि अगर मोदी प्रधानमंत्री बनेगा तो पाकिस्तान इंट्रूडर्स विल नॉट डेयर टू क्रॉस द बॉर्डर, ये अमित शाह का वादा था देश को। और उसके बाद लगातार आतंकवाद बढ़ा है एक्चुअली कश्मीर में। ये उनके वही बयान है, सुषमा देवी ने उसका पूरा राजनीतिकरण किया था आतंकवाद के हरमले के बाद, वो लोग ये सरकारों को बोलते कि तुम लोग वीक हो, जिम्मेदारी लो, रिजाइन करो वगैरह वगैरह। ये वो ही सरकार, शिवसेना पैक तो कर दिया मगर शिवसेना ने क्लियर कर बोला था कि BJP इज यूजिंग पुलवामा अटैक फॉर इलेक्ट्रल गेन, ये शिवसेना का बयान है। छब्बीस ग्यारह के बाद तुरंत मोदी ने बोला था कि 26/11 हुआ था कांग्रेस के रूल के अंडर, तो ये पुलवामा पठानकोट उरी भाई तुम्हारे राज में हो रहा, अभी तुम रिजाइन करो। ये पूरा ऐड निकाला था एडवर्टाइजमेंट बाय दिल्ली BJP ऑन 26/11, ये पूरे मामले को वो ये वही आज हाँ उनका था कि अगर आज प्रधानमंत्री 26/11 के बाद बोला था कि प्रधानमंत्री होते हम लोग बालाकोट भी ठीक से नहीं ठोक पाए, हम लोग लाहौर तक पहुँच जाते बोले। ये मसूद अजहर जो है मौलाना मसूद अजहर, उसको वाजपेयी के दौरान एक्चुअली अली लाहौर ने जाके हैंड ओवर किया था, ये हमारा मोदी लाहौर गया था नवाज शरीफ को मिलने। मनमोहन के खिलाफ जो पिक्चर बनी थी वो भी पाकिस्तान में रिलीज हुई थी। बहुत सारे BJP के कार्यकर्ता IT सेल, वो भी एक पोस्टर आएगा, जो खुद ISI के एजेंट है इंडिया में, उनको पकड़े गए, एक बार न्यूज़ आती है वो न्यूज़ गायब हो जाता है, वो आएगा खुद। तो IT सेल में भी उनके ISI के एजेंट हैं। और पठानकोट में हद हुई थी, पठानकोट का जब डॉसियर हम लोग एक्सचेंज कर रहे थे तो ISI के एक सेल आई थी यहाँ सब उनका जांच करने के लिए, कि हम भी देख लेते कि एक्चुअली तुम लोग क्या एविडेंस दे रहे हो। मतलब ISI का सेल मोदी ने आने दिया था पठानकोट में। ये थे लोग पुलवामा के बाद, ये तो सेल्फी ले रहा था, उनका एडमिनिस्टर केरला का है अभी और सेंट्रल है, ये अपना पुलिस कमिश्नर है, हाँ ये सत्यपाल और साक्षी महाराज, ये एकदम मतलब खुश हो गए थे कि भाई अभी जीत जाएंगे, जो हार रहे थे पुलवामा के बाद अभी पूरी आ गई थी कि अभी तो जीत जाएंगे। मोहन भागवत ये बोलेगा तो ठीक है, पाकिस्तान का ब्रदर, ओके। और कोई यहाँ से कोई बोल दे कोई प्रोग्रेसिव तो मारा गया TV में, अर्णब गोस्वामी उसको बम छोड़ा गया। और एंड दीज आर द पीपल दैट पीपल इन पाकिस्तान आर लाइक अस, दे वांट पीस, ओके। और BJP इस पे सेडिशन के चार डालेगी और मोहन भागवत बोलेगा तो वो बहुत लिबरल RSS का चेहरा बन जाता है। और अभी जो रवि ने बात की कि भाई 3 दिन के अंदर जो बोला था तो
आर्मी वाला इसको फ़ोन करता है भाई कि भाई आ जाओ, तो भागवत बोलता है बाद में देखते, अभी टाइम नहीं है, गलत नंबर है। ये सर्जिकल स्ट्राइक, वी वांट सर्जिकल स्ट्राइक पूरी तरह, मतलब मैं ये बोला था कि इस बार लोग सवाल खड़े कर रहे कार्टून के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, पहला वाला मामला नहीं है, लोग खेल समझ रहे। आप ऑटो रिक्शा वालों से बात करो, टैक्सी वाले से बात करो, तो वो भी खेल समझ रहे। मतलब आतंकवादी हमला होता है तो ये थोड़ा जो टीवी में जो आदमी चलता है, ओके, मगर ये जवानों के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा। एक आध बार कंडोलेंस हो गया, उसके बाद वो 1 करोड़ उनको मिला कि नहीं, उनका उनके घर में किसी को नौकरी मिले कि नहीं, कोई दिखने नहीं रहा। और अभी ये हकीकत में हो रहा है कि लोग चैनल ये सब देखने बंद कर रहे, भाई देख ही नहीं पाते अभी। उससे तो अच्छा सास बहू का सीरियल देख लो, मगर ये बहुत टेंशन वाला काम। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बातें आ रही है, ये बेसिकली आईएसआई के सेल मिले हैं मध्य प्रदेश में, और उसमें टॉप लेवल के बीजेपी के कार्यकर्ता पकड़े गए। ये न्यूज़ सिर्फ एक ही बार आई है और उसके बाद ये सब न्यूज़ गायब हो जाती है। नाला सोपारा में बम पकड़े गए, उसके बाद कभी कुछ पता नहीं। घटकोपर या डोम्बिवली में बम पकड़े गए, डोम्बिवली में पकड़े गए, उसका पता नहीं। मगर आरएसएस के बीजेपी के कार्यकर्ता आईएसआई के सेल में पकड़े गए, काफ़ी बड़ा गिरोह, मगर उसका कोई फॉलोअप न्यूज़ आने वाला। ये तीनों उसमें है, संदीप शर्मा, ध्रुव सक्सेना, निशांत अग्रवाल। कोई पढ़कर सुनाओ यार, यशोद अंजा पढ़ लो। खबरों के मुताबिक आज आईएसआई को खुफिया दस्तावेज मुहैया कराने वाले इंडियन एयरफोर्स का ग्रुप कैप्टन अरुण मारवा गिरफ्तार हुआ है, लेकिन किसी भी मीडिया ने उसे आतंकी नहीं लिखा। जरा सोचिए, अरुण के जगह हारून होता तो अब तक मोदी मीडिया पूरी कौम की आतंकी घोषित कर। ये भी एक बार न्यूज़ आया, ये तो मैं भी, मुझे भी ये जब न्यूज़ मिला था मुझे पता नहीं था, ये हेडलाइन न्यूज़ है भाई ये सब। तो भाई हिंदी के पत्रकार है भाई। अच्छा अच्छा, हाँ अभी क्या क्या गायब हो गया भाई, ये सब पुलवामा और इसके बाद रफेल डील का पूरी चर्चा खत्म हो गई है। मोदी बोल रहा है रफेल होता तो ओके। जाओ जाओ दे जाओ। चलिए, लोग 15 लाख की क्यू में खड़े, भाई इस बार 15 लाख मिलने वाले, तो सबको लगा रहे टीवी पे, भाई तुम देखो टीवी, पुलवामा बालाकोट सब हो रहा है, और तब क्या कर रहा है कि वो आरबीआई में से 28,000 करोड़ लेकर निकल जाते। आपको पता है ना, जो उर्जित पटेल जो निकाला गया, उसके पहले जो रघुराम राजन नोटबंदी पे उन्होंने मना किया था, उनको निकाला गया, उनका ही आदमी था उर्जित पटेल। मगर बाद में आरबीआई में से और पैसे निकालने की बात हुई और उर्जित पटेल ने मना किया कि ये जो आरबीआई की सेविंग्स है वो इमरजेंसी के लिए, तुम लोग के ये अभी जो तुम लोग ने पूरा इकॉनमी का मैस किया उसके लिए। उर्जित पटेल को निकाला और एक बंदे को लाया जो हिस्ट्री का एमए करके का बैकग्राउंड का है, उसने पहले इंस्टॉलमेंट में 28,000 करोड़ पुलवामा के बाद दे दिए और उसमें कोई चर्चा नहीं हो रही है। अगर नॉर्मल टाइम पे होता है तो बहुत बड़ा विरोध होता है इस बार। तो यही है वो जो बोलता है कि ठीक है अभी मुझे निकलने की ज़रूरत नहीं है, तुमको जो पैसा देना है मैं दे रहा हूँ। और अभी जो हो रहा है जो राजनीति, एक जगह पर हमारा जवान मर रहा है और दूसरी जगह तो हमारा किसान मर ही रहा है। एक मिनट, फोटो लेना है तो ले लो, आने दो नीचे। किसान और जवान दोनों बड़े पूरे राजनीति में दोनों शिकार हो चुके। और अभी रामलला को बोलता है मोदी कि भाई राम मंदिर का कार्ड की जरूरत नहीं है, अभी मेरे पास ये फुलमामा और बालाकोट आ गया है, इसी से मेरा इलेक्शन का काम हो जाएगा। मुझे अजीत डोवाल वाला सवाल कि वो तुम्हारा बेटा तो शौर्य डोवाल को पाकिस्तानी पार्टनर है, तो ख़त्म करो पहले वही तो बात करो। स्वाति चतुर्वेदी, सीनियर जर्नलिस्ट।
सर ये वाला पढ़ना जिस थोड़ा जोर से हक मांगने पर गुमराह करती सरकार वो देखो घुस पेटियों आया घुस पेटिया आया 15-15 लाख पेट्रोल डीजल रुपया पैसा सब मांग रहे काला तो तब अमित शाह बना देखो जाओ जाओ ये भी वही सवाल मतलब जितने सवाल जो थे राजनीतिक वो सबके सब साफ हो गए ये साधु प्रमोद है आचार्य प्रमोद आचार्य प्रमोद हाँ ये एक धमाके ने रफेल महंगाई बेरोजगारी सवर्ण आरक्षण और किसानों के एक धमाके से सब निकल गया टेरर अटैक्स बढ़े हैं जवान ज़्यादा मरे हैं बॉर्डर वायलेशन ज़्यादा हुए हैं सिविलियन डेथ ज़्यादा हुए हैं ये एक्चुअली पिछले 5 सालों का ये परिणाम है मिलिटेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है जो 2000 मतलब जो UPA 1 UPA 2 के टर्म में इनफैक्ट एक पोलिटिकल फोर्सेज में जाना चाहिए था वो UPA 2 की कमी थी मगर अभी बहुत बढ़ गया है और प्रॉब्लम है कि हम लोग कश्मीरी की ह्यूमन राइट्स की बात नहीं करते कश्मीर हमारा है मगर जो कश्मीर में जो बर्बादी चल रही है आम इंसानों की उस पर बातचीत हम लोग नहीं कर रहे और ये पूरे जो फिगर्स है वो खतरनाक है और ये वॉइस ऑफ राम इफ़ यू आर एन इंडियन अटैकिंग इनोसेंट कश्मीरी स्टूडेंट्स स्टडिंग योर सिटी ऑस्ट्रेलियन यू आर नो बेटर देन अ ब्रेन वॉश टेररिस्ट और ये एक मतलब जो डोगरा और जो कश्मीरी जो बोलने लगे कश्मीरी स्टूडेंट्स के पक्ष में उसमें से ये वॉइस ऑफ राम और ये जो वेद वगैरह कश्मीरी इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया बट नॉट कश्मीरीज क्योंकि जब कश्मीरी स्टूडेंट्स को मानने लगे कश्मीरी ट्रेडर्स को तो 10 दिन तक प्रधानमंत्री चुप बैठे जब इंटरनेशनली बहुत धमाल हो गए उसके बाद वो बोले तब तक तो वो सब हमला समाप्त हो चुका सवाल पूछो तो यू विल नॉट लेट अस ड्रीम द सोल्यूशन पीस नेशनल ओके तो ये सवाल पूछोगे तो आप एंटी नेशनल वगैरह वगैरह और किस प्रकार से जंग की तरफ देश को ढकेला जा रहा है ये कविता है द प्राइम मिनिस्टर टोल्ड द आर्मी बाय क्लैश हैंडल्स मैं भेजूंगा आप सबको अपने ये फैशिज्म वाला पोस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है अर्ली मॉर्निंग साइन ऑफ फैशिज्म पावरफुल एंड कंटिन्यूइंग नेशनलिज्म Disdain for human rights, identification of enemies, scapegoats as a unifying cause, supremacy of the military, rampant sexism, controlled mass media, obsession with national security, religion and government are intertwined, corporate power is protected, labor power is suppressed, disdain for intellectuals and the arts, obsession with crime and punishment, rampant cronyism and corruption, fraudulent elections. ये fascism का ये सब कुछ इंडिया में भी उसी प्रकार से चल रहा है और ये वॉर और ये दोनों ये जो पूरा चल रहा आतंकवाद वॉर आतंकवाद वॉर ये पूरे समाज को ये आखिरी में बहुत अच्छा है इनका सरहदों पर बहुत तनाव है क्या कुछ पता तो करो चुनाव है क्या सही है इसका फोटो मार लो यार क्या क्या सर अगर आप बताएं चुनाव है क्या चुनाव है क्या चुनाव तो है का चुना होने वाला है कि नहीं हो गया खत्म आई थी खत्म साथियों ये आज का प्रेजेंटेशन था मैं मानता हूँ कि सवाल इसलिए भी नहीं है क्योंकि सुनने के बाद ये एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल काम है ठीक है मगर इसका काउंटर नहीं हो रहा है इसका मतलब है कि आप कहीं समझने के लिए तैयार हो कि कुछ और भी हो रहा है जिसके बारे में हमको अभी कुछ कदम उठाने पड़ेंगे और हमारी तरफ से बोल दूँ रवि हम सब साथी हैं संजय अपने सब जगदीश वगैरह है चारुल भाई हमारे सीनियर सत्यन जो हमारे साथी हैं यशोदन स्मिता ज्योति सब है
कि ये अभी ये मुहिम बनेगा, मुहिम अपने अलग अलग शहरों में बनाना पड़ेगा, पुलवामा और बालाकोट को एक्सपोज करना पड़ेगा, तभी जाके इलेक्शन में हम लोग एक उत्तर दे पाएंगे। क्योंकि अभी मोदी और अमित शाह ने मुद्दे, उन्होंने ये इलेक्शन को नेशनल सिक्योरिटी और पाकिस्तान का मुद्दा बना दिया, सीधा का सीधा। बाकी के सब सवाल गए। जो किसान मोर्चा आने वाला था वो आता तो बहुत अच्छा होता, मगर वो कुछ भी करके और कोई मुद्दा और कोई हेडलाइन और ना न्यूज़ कोई बने, ये उनकी पूरी कोशिश है। ओके जी जी ये सो दैट इज़ इट। ओके तो हमारी तरफ से ये पूरा मुहिम आंदोलन ये चलता रहेगा और आपकी सहायता चाहिए। धन्यवाद सर।